लास्ट डे हम लोगों ने क्लासिकल मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, एंड क्लासिकल मैग्नेटिज्म में मैंने बार मैग्नेट्स कंप्लीट किया था। आज हमारा टारगेट है अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करें। सो टुडेज टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ की वजह से, मतलब अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड पूरे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है, ये एक फैक्ट है जो कि काफी दिन पहले से ही, मतलब आप बहुत साल, मतलब 400-500 साल पहले भी चले जाओगे, 600-700 साल पहले भी चले जाओगे, तो भी ऑलरेडी लोगों को पता था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि मैग्नेटिक कॉम्पस के थ्रू ही बेसिकली लोग शिप्स में नेविगेशन करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। मतलब उस समय तो ट्रांसपोर्ट का एक ही जरिया था, मतलब अगर आप, आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाना है और एयर रूट नहीं अवेलेबल है और तो पानी के थ्रू ही होके जाना पड़ेगा, तो वहां पे आपको मैग्नेटिक नेविगेशन, मतलब नेविगेशन में बेसिकली मैग्नेटिक कॉम्पस का ही सहारा लेना पड़ता था। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही वहां पे हेल्प करती थी, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा अगर अर्थ के अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर से एक्सटेंड करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाती थी। तो इसी से वजह से हम कहते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा वो ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट करती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब बहुत रिसर्च हुआ है इसके पीछे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्ट रीजन क्या है, ये लोग जान जाए, बट अभी तक प्रेजेंट टिल डेट भी मैं बात कर रहा हूँ कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्ट रीजन क्या है ये किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्ट रीजन क्या है। बस दो प्रोबेबल रीजंस हैं जिसको काफी स्ट्रॉन्ग रीजंस मान के सब कहते हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं मैग्नेटिक। बात कट रही है मेरी, आवाज कट रही है क्या? नहीं सर। ओके, किसी को अगर आवाज कटी हुई आ रही है तो फिर प्लीज एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट कर लीजिए। सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता, बट दो रीजंस हैं जो काफी स्ट्रांगली सभी कोई मानते हैं कि इन वजह से हो सकता है। उनमें से एक रीजन ये है कि जैसे अगर के आप अगर अर्थ के कोर में जाओगे तो अर्थ के कोर में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। इससे क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ दी मटेरियल है वो बेसिकली मोल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोल्टन फॉर्म में मतलब वो मेल्ट किए हुए हैं। सॉलिड्स भी अगर आप वहां रखोगे, कोई भी सॉलिड को रखोगे तो मेल्ट करके मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। अब इस तरह के सिचुएशन में अर्थ ऑलरेडी अपने एक्सिस के अबाउट तो स्पिन करता ही है। अर्थ ऑलरेडी स्पिन करता है अपने एक्सिस के अबाउट। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है और अंदर में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं जो मोल्टन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके घूमने की वजह से किसी तरह से एक करंट सर्कुलेट हो जाती है, मतलब एक करंट मिलती है अर्थ के कोर में, और ये सर्कुलेटिंग करंट जो है उसकी वजह से ही एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है। दैट इज व्हाट दे से, ये एक रीजन मानते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि वो ये कहते हैं कि जैसे अर्थ के एटमोसफियर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे गैसेस हैं और ये गैसेस आयनाइज स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, और आयनाइज स्टेट में अगर गैसेस हैं, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का पार्ट है, और अर्थ अगर स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो इसके साथ साथ वो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स के एटमॉस्फेयर हैं, मतलब जो आयनाइज गैसेस हैं, वो भी बेसिकली गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, और अगर आयनाइज गैसेस गोल गोल चक्कर काटेंगे तो उसकी वजह से भी एक करंट सर्कुलेट हो रही है, और ये करंट की वजह से भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है। तो ये दो प्रोबेबल रीजंस मानते हैं। दीज आर द टू प्रोबेबल रीजंस व्हिच आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्ट पिक्चर अगर दिखाएं आपको तो कुछ ऐसा सिनेरियो आपको दिखेगा, समो लाइक दिस, कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में आपको ऐसा एक सिनेरियो दिखने वाला है कि अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैंने आपको बोला कि सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक एक्सटेंड करता है, तो ये चीज की एक्सटेंड दिख रही है आपको। फील्ड लाइंस अर्थ की जैसी है उसको देख के ऐसा अपीयर होता है कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कि अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ ऐसा है। अर्थ अपनी एक्सिस के वो घूम रहा है, ये अर्थ का स्पिनिंग एक्सिस है, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक है। सो ये ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, दिस इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड ओवर इज 24 आवर्स।
तो ये स्पिन ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब ये जो स्पिन है अर्थ का। अब इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो स्पिनिंग एक्सिस को हम ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं, ये जो स्पिनिंग एक्सिस है दिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक एक्सिस। एंड अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो बिल्कुल सिमिलर है एक बार मैग्नेट से। अगर आप देखोगे तो अगर ये बार मैग्नेट यहाँ पे जो अर्थ के मतलब अर्थ के अंदर बना के दिखा रखा है, अर्थ के अंदर सच में कोई बार मैग्नेट नहीं है, ये चीज सबसे पहली चीज ध्यान रखने की है। अर्थ के अंदर में कोई भी बार मैग्नेट नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, बट हाँ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को देख के ऐसा अपेयर होता है, ऐसा अपेयर होता है, क्योंकि एक मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट भी अगर आप अर्थ के लिए अंदर रख देते तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही होता। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द फील्ड लाइंस बेटर, वी इमेजिन द अ बार मैग्नेट टू बी प्लेस अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस मतलब जहां पे फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है, मतलब अर्थ के बाहर से जहां से ओरिजिनेट कर रहा है। मैंने आपको बताया था फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता, बट ये ट्रू है ये कि अगर आप ओवरऑल कंसिडर कर रहे हैं। बट अगर बार मैग्नेट के बाहर में हम बोलते हैं तो फिर नॉर्थ पोल से एग्जिट करते हैं, मतलब ओरिजिनेट करते हैं एंड साउथ पोल पे टर्मिनेट करते हैं, ये कह सकते हैं आप बार मैग्नेट के बाहर में। तो सेम चीज यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जैसे अगर आप फील्ड लाइंस देखोगे तो सदर्न हेमिस्फेयर से निकल रहे हैं और वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आके एंटर कर जा रहे हैं। तो जहां से फील्ड लाइंस एंटर करते हुए और एग्जिट करते हुए दिख रहे हैं, वहां पे अगर मैं एक डॉटेड लाइन कंटिन्यू करूं तो ये वाली जो डॉटेड लाइन बना रखी है इसी को आप कह सकते हैं दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। एंड ये मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में अगर आप देखोगे तो एक एंगल बन रही है, ये वाली जो एंगल आ रही है दिस एंगल, दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्री। ये एंगल थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता रहता है, बहुत माइनर अमाउंट में चेंज होता रहता है, बट इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट अभी 11.3 डिग्रीज का एग्जिस्ट करता है। तो ये वैल्यू बस आपको याद रखनी है कि ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एंगल जो है वो ऑलमोस्ट 11.3 डिग्रीज का है। बट अगेन मैंने जो आपको बोला कि ये जो एंगल है ये एंगल बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत ही छोटा एंगल है। तो जब तक आपसे पूछा ना जाए कि अर्थ के ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितनी एंगल है, तब तक आप ये मान के चलेंगे कि एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री आप ये मान के चलेंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब या नॉर्थ पोल आप बोल लें तो नॉर्थ पोल में आपका मैग्नेटिक साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। क्या आपको दिख रहा है ये बात? देखो नॉर्थ पोल, देखो नॉर्थ पोल मतलब ऊपर हाफ का, एंड ऊपर हाफ के टॉप में अगर आप देखोगे तो साउथ पोल है, मैग्नेट का साउथ पोल दिख रहा है, दिख रही है आपको? ठीक है, तो ये चीज एक स्टेटमेंट की तरह आप देखोगे कई जगह लिखा होता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ज्योग्राफिक साउथ के साथ कोइंसाइड करती है, और जो मैग्नेटिक साउथ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ कोइंसाइड करती है, दैट इज व्हाट वी से। इसमें ये ध्यान रखना कि ये सच में कोई बार मैग्नेट नहीं रखा है हमने अंदर में, ये एक हाइपोथेटिकल बार मैग्नेट इमेजिन किया हमने, तो ये मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बाद में, दिस इज अ हाइपोथेटिकल बार मैग्नेट प्लेस अलोंग ज्योग्राफिक एक्सिस, प्लेस अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो जिसमें एक बार जितनी बातें मैंने बोली है उन बातों को मैं एक बार जल्दी जल्दी करके लिख देता हूँ, आप भी साथ में लिख लो। दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ गिव एन इम्प्रेशन विच इज equivalent to that of a bar magnet. Hence, for the sake of understanding field lines better, we imagine a bar magnet to be placed along the magnetic axis of Earth. The magnetic axis
is inclined to the geographic axis. At approximately 11.3 degrees. This angle is mostly neglected in discussions, and that's why we say that the magnetic north of Earth is coincident with geographic south. Since the field lines appear to be coming out from southern hemisphere and enter at northern hemisphere. Hence, the field lines always point towards geographic north. Field lines हमेशा geographic north को point करते हैं. अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा तो आपके आपने कभी भी अगर एक मैग्नेटिक कॉम्पस अगर देखा हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो अगर आप उसको रखते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर जाता है. कहते हैं ना मैग्नेट को, कभी आपने मैग्नेटिक कॉम्पस देखा है? Yes, sir. तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, वो अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा. और अगर आप उसको डिस्टर्ब भी कर दोगे, उसको थोड़ा सा हिला दोगे, तो भी फिर जब छोड़ोगे तो वापस से उसी डायरेक्शन में आ जाता है. आता है या नहीं आता? Yes, right? उसका रीजन ये है कि जब हम एक मैग्नेटिक कॉम्पस बोलते हैं तो एक मैग्नेटिक कॉम्पस इज जस्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट. एक छोटा सा बार मैग्नेट ही होता है, जस्ट उसमें एक पॉइंटर का शेप आता है, बस एक बार मैग्नेट ही है. ये ध्यान रखने के लिए जो मैग्नेटिक कॉम्पस है वो एक बार मैग्नेट है. और बार मैग्नेट अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होगा? जहां पे ये जो बार मैग्नेट है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल आ जाए, है ही नहीं है? याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और ये साउथ सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ पॉइंट करती है. इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ जो अर्थ का फील्ड है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही हमेशा पॉइंट करता है, वो हमेशा पॉइंट करता है. तो इस केस में अगर आप एक बार मैग्नेट को वहां रखते हो तो फिर वो अपने ऊपर टॉर्क जीरो रखने के लिए वो हमेशा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन को चूज करता है. इसी वजह से वो आप अगर उसको हिलाओगे भी और छोड़ोगे भी तो भी वो हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही पॉइंट करता है, मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ जिसको आप कहते हैं, तो उसी को भी पॉइंट करता है. ठीक है, तो चीज का ध्यान रखिएगा कि वो क्यों करता है. द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली is not known to us, but two theories are put forward which are widely accepted. Pehla, due to circulating current induced in molten liquid
inside core of Earth due to high temperature. And dusra, due to ionization of the gases present in the atmosphere of these ionized gases revolve around Earth to create a magnetic field. Okay. एक और चीज देखो यहाँ पे, जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे, मान लेते हैं ये दोनों एक्सिस ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट है, मतलब अर्थ की जो ज्योग्राफिक एक्सिस मैंने दिखा रखी है और जो मैग्नेटिक एक्सिस दिखा रखी है वो लोग ऑलमोस्ट अगर कोइंसिडेंट माने, ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट, तो उस केस में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको दिखेगा कि पोल्स में परपेंडिकुलर है, दिख रही है आपको? पोल्स मतलब कि जो टॉप एंड और बॉटम एंड होगा, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टॉप एंड सदर्न हेमिस्फीयर का बॉटम, उनमें फील्ड्स आपको परपेंडिकुलर टू सरफेस दिखेंगे, दिख रहा है? एंड अगर आप इक्वेटर पे चले जाओगे, इक्वेटर में मतलब इक्वेटर भी वैसे तो दो है, एक ज्योग्राफिक इक्वेटर होगा और एक मैग्नेटिक इक्वेटर होगा, जैसे यहाँ पे दिखाते हैं इसको एक बार, जैसे ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है, क्योंकि ये वाली जो सर्कल ड्रॉ किया मैंने, इस सर्कल का प्लेन जो है वो ज्योग्राफिक एक्सिस से परपेंडिकुलर है, और वैसे ही आप मैग्नेटिक एक्सिस से भी आप एक यू नो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो उसके साथ परपेंडिकुलर होगा, सो लाइक दिस। तो इसमें से एक को नाम देते हैं, दिस इज मैग्नेट, सॉरी ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर and this is magnetic equator. Obviously, इन दोनों के बीच में भी एंगल आपका 11.3 degrees का होगा. अब ये सोच के देखो, अगर मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस अगर ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट है तो isn't it obvious कि ये दोनों इक्वेटर भी ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट है? है yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ये दोनों इक्वेटर ऑलमोस्ट एक जगह पे आ जाएंगे, और उस केस में अगर आप देखोगे तो वैसे तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक इक्वेटर के जगह पे, मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर का कोई भी लोकेशन अगर आप चूज करोगे, चूज एनी लोकेशन ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर, यहाँ पे कोई भी लोकेशन चूज करो इन लोकेशंस पे, तो वहां पे आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ जो है वो पैरेलल टू सर्फेस है, दिख रही है आपको? कैन यू सी दैट? नहीं समझ आ रही है? जैसे ये सोचो कि एक बार मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज अ बार मैग्नेट, इसमें नॉर्थ और यहाँ साउथ दिखा रहे हैं, तो ये फील्ड लाइंस इधर से आती है फिर इधर पे एंटर करती है और यहाँ से ये ऐसे घूम के जा रहा है, तो इधर से अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पोल्स में अगर आप चेक करोगे तो पोल्स में अलोंग दी लेंथ आ रही है, तो आप इनके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे, ये वाली डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में देखो, तो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर दिख रही है वहां पे पोल्स पे, यस सर, बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके मैंने एक इक्वेटर ड्रॉ किया, देखो इसका इक्वेटोरियल प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा, ये देखो इक्वेटर है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे फील्ड देखो पैरेलल टू सरफेस है या नहीं है, ये देखो चेक करो, दिख रही है? यस सर। यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। ठीक है, तो जो फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ है वो परपेंडिकुलर टू सर्फेस एट पोल्स है एंड पैरेलल टू सर्फेस एट इक्वेटर है, ये बात समझ आई आपको क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, तो जिसका ध्यान रखेंगे कि फील्ड लाइंस इज पैरेलल टू द सरफेस एट पोल्स एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस एट सॉरी फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस एट इक्वेटोरियल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पोल्स। ठीक है, इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, अब ध्यान रखिएगा, रीजन ऑलरेडी समझा दिया आपको, कंसिडरिंग
the magnetic and geographic axis to be almost coincident. Geographic axis to be almost coincident pehla magnetic field lines are parallel to surface at equatorial plane on earth and dusra field lines are perpendicular to surface at poles. दो टर्म और डिफाइन करते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक मेरिडियन इसको GM बोलेंगे, एक और टर्म है मैग्नेटिक मेरिडियन, इसे हम MM बोलेंगे. अब ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? जैसे ये लोकेशन स्पेसिफिक क्वांटिटी है, लोकेशन स्पेसिफिक क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इमेजिन करो कि अर्थ के किसी लोकेशन पे आपसे बोले कि ज्योग्राफिक मेरिडियन बताओ क्या है या कहाँ पे एग्जिस्ट करता है या कैसा है एग्जिस्ट करता है, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि उस लोकेशन पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप क्या करते हो, एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करते हो, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो कि अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस को कंटेन करता है. यू इमेजिन अ वर्टिकल प्लेन which contains the geographic axis. Geographic axis को contain करता हुआ एक vertical plane. That is what you're supposed to imagine. जैसे मैं इसको diagram में अगर दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा. जैसे मान लेते हैं ये earth है. This is earth. And ये earth का spinning axis मैं दिखा रहा हूँ. Earth इस axis के about spin कर रही है. And मान लो कि किसी ने ये earth के location पे यहाँ पे एक जगह दे दिया हमें और बोला कि बताओ यहाँ के लिए ज्योग्राफिक मेरिडियन कौन सी होगी. तो अगर आपको यहाँ के लिए ज्योग्राफिक मेरिडियन बतानी है तो आप क्या करो कि एक ऐसा प्लेन यहाँ पे वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो जो कि अर्थ की एक्सिस को कंटेन करता है. तो ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे. ये देखो, क्या आपको बात समझ आ रही है? Yes. देखो ये जो प्लेन बनाई हमने, ये प्लेन ज्योग्राफिक एक्सिस को कंटेन करता है या नहीं करता? करता है, नहीं yes, करता? Sir. करता है ना. तो ये yes, वाली sir. जो ये वाली जो हमने ड्रॉ कर रखी है प्लेन, इसी प्लेन को हम ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे. सो दिस प्लेन इटसेल्फ इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन. ये प्लेन जो हमने ड्रॉ किया ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है. बट ये ज्योग्राफिक मेरिडियन किस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए? ये वाली जो डॉट बनाई मैंने उसके लिए. अगर ये लोकेशन आप यहाँ पे चूज करते, कोई बोलते हैं कि यहाँ का ज्योग्राफिक मेरिडियन बताओ यहाँ का, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वो वर्टिकल प्लेन इमेजिन करना पड़ता. समझ आ रही है आपको? Yes, sir. You get that? Yes, sir. So, ये अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग यू नो ज्योग्राफिक मेरिडियन आएगी. ठीक है. सो इसमें जो कनेक्शन करना है वो आपको ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ कनेक्ट करना है. ठीक है. बट वही चीज अगर मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करते हैं, मान लो हमें मैग्नेटिक मेरिडियन पूछा उसने कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, तो इस बार सेम लॉजिक से आपको क्या करना पड़ता है, आपको मैग्नेटिक एक्सिस जो है अर्थ की उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है. तो अब ये हो गई हमारी ज्योग्राफिक एक्सिस और तो इसके अबाउट स्पिन कर रही है. इसके अबाउट अर्थ स्पिन कर रही है बट इसके रिस्पेक्ट में छोटे एंगल पे, इसके रिस्पेक्ट में छोटे एंगल पे हमारी मैग्नेटिक एक्सिस एग्जिस्ट करती है. सो दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस. जी ए लिख रहे हैं मतलब ज्योग्राफिक एक्सिस है और ये एम ए मतलब मैग्नेटिक एक्सिस है. ठीक है. अब सेम चीज उसने बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट है और उसने बोला कि यहाँ के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सी है ये बताओ. तो मैग्नेटिक मेरिडियन अगर बतानी है तो आपको एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करना है ऐसा जो कि मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करती है. तो मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता हुआ वर्टिकल प्लेन फिर से ड्रॉ करना है. ये देखो,
सो ये जो प्लेन हमने ड्रॉ किया, दिस प्लेन इज द मैग्नेटिक मेरिडियन. क्या आपको बात समझ आई सबको? यस सर. यस सर. ठीक है, मैं इसको जस्ट मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. तो जीएम एट एनी प्लेस ऑन अर्थ रिप्रेजेंट्स दैट वर्टिकल प्लेन at the given location, which contains the geographic axis, इसको GA लिख दे रहा हूँ. And similarly, MM की बात करें तो magnetic meridian at any place is that vertical plane through the location which contains magnetic axis. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. आई होप आपको ये क्लियर हो गई है. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, अब एक चीज और थोड़ा सोच के देखो. अर्थ की जो, अच्छा एक बार फिर से मैं आपको इस डायग्राम पे लेके जाता हूँ. इसमें देखो कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपकी बार मैग्नेट से निकलती हुई यहाँ पे अपीयर हो रही है, मतलब अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट दिखाया है, हाइपोथेटिकल बार मैग्नेट, उससे बाहर निकल रही है एंड देन अंदर एंटर कर रही है. अब अर्थ के किसी भी लोकेशन पे अगर हमें मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको, चेक करो आप. जैसे मान लेते हैं कि हमने अर्थ की यहाँ पे एक लोकेशन चूज किया, ठीक है, और इस लोकेशन के लिए बोला मैग्नेटिक मेरिडियन. तो इस लोकेशन पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, देखो ये दिख रही है आपको, this is the magnetic field of earth, tangent pe draw kiya, samajh aa rahi hai? Yes sir. Ab ek interesting cheez ye bhi notice karo ki agar ye magnetic field ki hum baat karte hain yahan pe, to ye magnetic field dekho magnetic meridian mein hi hoga. Ye dekho, ye dekho, dikh rahi hai aapko? Dikh rahi hai? उसी प्लेन में है. देखो जो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन हमने ड्रॉ किया है उसी प्लेन में है. समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? यस सर. यस सर. देखो एक बार मैं फिर भी विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं, कुछ लोगों को नहीं भी हो रहा होगा. आप मुझे देख पा रहे हो? यस सर. यस सर. ये देखो जैसे जैसे इमेजिन करो कि ये वो अर्थ का बार मैग्नेट है जिसके साथ हम यू नो फील्ड लाइंस एसोसिएट कर रहे हैं. तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही है, यहाँ से घूम के वापस इधर आ रही है. अगर मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ अर्थ पे, मतलब आप इसको इमेजिन करो कि इसके चारों तरफ अर्थ है, ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ का. तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बोला मैंने कि बताओ मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा है. तो मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करने के लिए आपने क्या किया, आप ऐसे एक प्लेन इमेजिन करो, ऐसा एक प्लेन जो कि इसको कंटेन करता है. ठीक है, समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? सो दिस इज कंटेनिंग. यस सर. तो अभी अगर आप देखोगे तो इसके साथ जो फील्ड लाइंस एसोसिएट होती है, इससे साथ जो फील्ड लाइंस एसोसिएट होगी, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जब आप लोगे तो इस प्लेन में ही तो कंटेन करता हुआ आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? यस. ठीक है, आप दूसरे लोकेशन पे जाओगे तो दूसरा प्लेन बनेगा. बट किसी एक लोकेशन पे जब आप बात कर रहे हो, किसी भी एक लोकेशन पे, तो वहां का जो फील्ड लाइन है वो वहां का जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके अंदर ही होगा, क्योंकि फील्ड लाइन जो है वो इसके लिए चारों तरफ ऐसे घूम घूम के फाउंटेन की तरह आ रहे हैं. मतलब यहाँ से नीचे से एक फाउंटेन, ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ फाउंटेन है, फाउंटेन ऑफ फील्ड लाइन है, और वो फील्ड लाइंस घूम के वापस से इधर आ रहे हैं. तो किसी भी लोकेशन पे जब आप देखोगे कि फील्ड लाइंस कहाँ है, तो वो वहां के मैग्नेटिक मेरिडियन में होंगे. आई गेटिंग इट? यस. ठीक है. तो वैसे तो आप एक सरफेस पे, जैसे अब हम सपोज लिए हम अपने जगह पे बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस. तो इस सरफेस पे अगर आपको कोई बोले कि वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो, तो वर्टिकल प्लेन आप इनफाइनाइट नंबर इमेजिन कर सकते हैं. देखो ये भी एक वर्टिकल प्लेन है, ये भी एक वर्टिकल प्लेन है, ये भी एक वर्टिकल प्लेन है, ये सारे तो वर्टिकल प्लेन है. समझ आ रही है? ये सारे वर्टिकल प्लेन है. बट अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम कह रहे हैं अर्थ का, वो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड आपको कौन से प्लेन में मिलना है? मैग्नेटिक मेरिडियन में. समझ आ रही है? क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन तो यहाँ के लिए यूनिक है,
इस पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ अर्थ के लिए, ये जो अर्थ का सरफेस अगर मैंने दिखा रखा है, तो अर्थ के सरफेस के लिए यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ के मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। तो अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन अगर ये है, मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, तो इसी प्लेन में तो आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। आर यू गेटिंग इट? दूसरे प्लेन में जो मिलेगा, अगर मान लो कि ये अर्थ की ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन है और मैंने क्या कर रखा, यहाँ से एक सर्टेन एंगल पे आपको एक प्लेन चूज करके दे दिया, तो फिर इस प्लेन में तो आपको अर्थ का एक कंपोनेंट ऑफ फील्ड ही मिलेगा ना, ट्रू फील्ड तो नहीं मिलेगी। समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कह रहे हैं, वो आपको कहाँ पे मिलना है? अर्थ की मैग्नेटिक मेरिडियन में ही मिलना है। समझ आई है आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। इसे इसको ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट सी बात है, क्योंकि इस पे ही आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग यू नो बेस करती है। The true value of Earth's magnetic field will always lie in magnetic meridian and in all other vertical planes we get a component of the Earth's magnetic field and not the true field. चीज को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। ओके, अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म पे। अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो अर्थ मैग्नेटिज्म के तीन एलिमेंट्स माने जाते हैं। तीन एलिमेंट्स हैं। पहला है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर इसको पॉपुलरली डिप एंगल कहते हैं, एंड तीसरा है horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. These are the three elements of Earth's magnetism. अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहली है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मतलब क्या है? किसी भी एक लोकेशन पे आपने ज्योग्राफिक मेरिडियन ड्रॉ करना सीखा, आपने मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करना सीखा, सो ये दो अलग अलग वर्टिकल प्लेन्स आपको मिल गए। अब ये दो अलग अलग वर्टिकल प्लेन्स के लिए, ये दो अलग अलग वर्टिकल प्लेन्स के लिए आपने जब ड्रॉइंग कर ली है, तो आप इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करो, मतलब एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक। क्या मैं कुछ ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। सो आप दो अलग अलग यू नो जो आपने वर्टिकल प्लेन्स ड्रॉ किए, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल मेजर करो। इन दोनों के बीच की जो एंगल होगी उसी को ही हम बेसिकली मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। सो द एंगल मेजर बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन at any place is the declination for that place. Declination for that place. It is always measured from GM.
टूवर्ड्स एमएम, जीएम से एमएम की तरफ ही हमेशा मेजर करते हैं इसको, मतलब इसका डायरेक्शन भी रहता है, सेंस भी है, जीएम से हमेशा एमएम की तरफ ही मेजर करना है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो कि अगर अर्थ के लोकेशन पे हमने दो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन दिखा रखा है, अब जैसे मान लो कि ये हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इन दोनों के बीच में जब आप एंगल मेजर करोगे तो ज्योग्राफिक मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ मेजर करना है, एंड ये जो एंगल हमने दिखा रखा है थीटा मान लेते हैं इसको, तो थीटा ओवर हियर इज द डिक्लिनेशन। समझ आ रही है आपको? यस सर। जैसे अगर मान लो कि किसी एक जगह पे, सपोजली किसी एक जगह पे मान लो कि एक छोटे से एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैग्नेटिक कॉम्पस मान लो हमने ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये किसी कोई एक लोकेशन होना अर्थ है जहाँ पे हमने मैग्नेटिक कॉम्पस को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, दिस अ मैग्नेटिक कॉम्पस, तो एक नीडल की तरह ही होगा ये, एक सिंपल बार मैग्नेट है ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है इस एंड पे नॉर्थ एंड इस एंड पे साउथ है पोल का, तो ये अपने आपको किस डायरेक्शन में अलाइन करता है, याद है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करता है ना ये अपने आपको अलाइन। यस सर। अगर ये अपने आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर चुका है, तो ये वाले डायरेक्शन यहाँ पे ही अगर आप एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करते हो, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है यहीं से एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो, क्या यही हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होगा या नहीं होगा? समझ आ रही है? ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। अब मान लो कि अगर किसी ने कह रखा है कि डेक्लिनेशन एट द गिवन प्लेस is 8 degrees west, मान लो कह रखा है, ठीक है, 8 degrees west है, declination at the place is 8 degrees west, तो आपको ये पूछा है कि बताओ magnetic meridian, geographic meridian कहाँ पे होगा, so where is geographic meridian, ये आपको पूछा है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से ये magnetic meridian से geographic meridian इतना तो पक्का है 8 degrees पे, तो आप 8 degrees पे दो plane आप draw कर सकते थे, जैसे ये एक प्लेन ड्रॉ किया हमने, ये है 8 डिग्रीज का और एक और ड्रॉ कर लेते हैं इधर से, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, कोई एक ही है, दोनों नहीं हो सकता, आप कौन सा कैसे डिसाइड करें? आपको ये ध्यान रखना है कि ज्योग्राफिक जब हम डिक्लिनेशन मेजर करते हैं तो हमेशा जीएम से एमएम की तरफ मेजर करते हैं, और जीएम से एमएम मूव करने पे आपको किधर जाना है, वेस्ट या ईस्ट, किधर जाना है? वेस्ट। वेस्ट जाना है, तो वेस्ट किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, मतलब अगर मैं जीएम से एमएम की तरफ जाऊं जीएम से एमएम जाने के लिए मुझे वेस्ट जाना है, तो इन लेफ्ट लेफ्ट की तरफ लेफ्ट, तो ये देखो ये देखो ये वाली, ये देखो एरो मार्क मैंने मार्क किया है, यही वेस्ट है ना? यस सर। ठीक है, अगर ये वाले में देखोगे तो इसमें तो इधर मैं एरो मार्क करना पड़ता और ये तो ईस्ट हो जाता, तो ये 8 डिग्रीज वेस्ट बेसिकली ये वाली इंडिकेट कर रही है, 8 डिग्रीज वेस्ट ये हुआ, तो इसी वजह से ये वाली जो प्लेन बन रही है, ये वाली प्लेन, यही क्या हो जाएगी आपकी ज्योग्राफिक मेरिडियन हो जाएगी। समझ आइए, प्लीज अपना वॉइस म्यूट कर लीजिएगा, किसी का बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। So, इस तरह से आप बेसिकली यू नो एक छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे वो ऐसे मार्किंग करके दे देंगे आपको, बताएंगे बताओ कौन सा ज्योग्राफिक मेरिडियन है, कौन सा मैग्नेटिक मेरिडियन है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक कॉम्पास जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है उस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए वहां से अगर आप वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करोगे तो वो डायरेक्शन में आपको मतलब वहां पे आपको मैग्नेटिक मेरिडियन मिल जाएगी, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन से ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल आपका डिक्लिनेशन है, और डिक्लिनेशन हमेशा हम जीएम से एमएम की तरफ मेजर करते हैं। एक और छोटा सा एप्लीकेशन दिखाता हूं, मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, डेक्लिनेशन एट अ प्लेस
is 16 degrees west. मान लो ये दिया हुआ है. It is desired to reach a place which is 20 degrees south of west. South of west. By what angle does the ship needs to be steered? मतलब आप एक ship में हो और उस ship में जहां पे आप हो वहां का declination 60 degrees west known है और आपका target है पहुंचना 20 degrees south of west. तो कितने angle से आपको ship को steer करना है ये उसने पूछा है. इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को डिफाइन कर लो. ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को जब आप डिफाइन करते हैं तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होती है. तो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट ये जो हमने ड्रॉ कर रखा है ये ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग है. तो ये जो नॉर्थ साउथ दिखा रखा है इससे अगर आप एक वर्टिकल प्लेन लोगे तो ये वर्टिकल प्लेन कौन सा हो जाएगा हमारे ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा ना. क्यों? क्योंकि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है. ठीक है, ये जो एन दिखा रखा है ये क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ है. This is geographic north. समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब यहां पे एक ship है तो उसकी declination 16 degrees west दे रखी है. Declination is 16 degrees west. तो 16 degrees इस geographic meridian से मुझे west की तरफ आपका एक magnetic compass को imagine करना है. तो यहां से ऐसे सोचे हम, तो अगर एक needle होता है यहां पे तो ये नीडल कुछ ऐसा होता. ये देखो ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता, यहाँ पे नॉर्थ एंड यहाँ पे साउथ इस नीडल का होता. तो ये वाली जो वर्टिकल प्लेन हमने दिखा रखी है यहाँ पे डॉटेड लाइन से, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन. क्योंकि देखो ज्योग्राफिक मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ हमें वेस्ट जाना पड़ रहा है. दिख रहा है आपको? डू यू सी दैट? यस सर. ठीक है, और ये एंगल दे रखी है 16 डिग्री वेस्ट है. ठीक है, बट उसका टारगेट कहाँ पहुंचना है? व्हाट इज द टारगेट? द टारगेट इज 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. मतलब ये यहाँ पे कहीं पे उसका डेस्टिनेशन है. एंड ये वाली जो एंगल है दिस इज 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. समझ आ रही है? यस सर. ठीक है, तो अब उसको स्टीयरिंग कितना करना है ये देखो. नीडल पॉइंट कर रहा है 16 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड उसका डेस्टिनेशन है 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. तो उसको स्टीयरिंग कितना करना है देखो. तो ये वाली एंगल स्टीयर करनी होगी. यस सर. यस सर. राइट, तो स्टीयरिंग कितना एंगल रिक्वायर्ड है? सो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्टीयरिंग 90 प्लस रिक्वायर्ड स्टीयरिंग इज 94 डिग्रीज. 94 डिग्रीज का डायरेक्शन भी तो मेंशन करना पड़ेगा. 94 डिग्रीज किस तरफ? वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे ना. यस सर. है ना, ये तो वेस्ट की तरफ ही तो आप टिल्ट कर रहे हो ना, स्टीयर कर रहे हो. तो इसको वैसे ही बोलेंगे दिस इज 94 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ. क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है, सो आपको डिक्लिनेशन बता दिया. पहला जो एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है जो कि डिक्लिनेशन, उसको मैंने कंप्लीट किया अभी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं. डिप एंगल या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. ये मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है. दिस इज अर्थ सरफेस. इस अर्थ सरफेस पे मान लेते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऐसा कुछ दिखा रखा है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ठीक है, ये बी वेक्टर का डायरेक्शन है. इस बी वेक्टर का डायरेक्शन अगर आप देखोगे, अगर आपको नोन है, तो एक चीज श्योर है कि यहां से अगर आप एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करते हैं, ये जो वर्टिकल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन ही क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन होता ना.
होता यस सर ठीक है सो इसलिए ये श्योर हो के आप कह सकते हैं कि दिस प्लेन इज द मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन ठीक है अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है ये इंक्लिनेशन को ही हम बेसिकली एंगल ऑफ डिप कहते हैं ये जो डेल्टा मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे दिस डेल्टा दैट आई हैव मार्क्ड ओवर हियर इज द एंगल ऑफ डिप सो द एंगल एट विच द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड is inclined with respect to Earth's surface is the angle of dip. Dip angle कह सकते हैं इसको. So delta यहाँ पे ही आपका dip angle है. Clear है ये? Clear है? Yes sir. अब अगर आपको dip angle पता है तो आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं ना वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ब्रेक कर सकते हैं yes, अगर ये फील्ड मैंने दिखा रखा है दिस इज बी तो इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं डेल्टा तो पता ही है सो दिस बीइंग डेल्टा आप इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लो एक हॉरिजॉन्टल इसको बी एच कह सकते हैं और एक वर्टिकल इसको बी वी कह सकते हैं सो बी एच की वैल्यू को लिखोगे तो ये हो जाएगा बी कॉस ऑफ डेल्टा BV को लिखोगे तो ये हो जाएगा B sin delta इनको कहते हैं these are horizontal and vertical components of Earth's magnetic field horizontal and vertical components of Earth's magnetic field क्लियर है तो अब अगर बी एच और बीवी को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो टैन डेल्टा मिल जाएगा हमें सो अगर मैं टैन डेल्टा कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ से बीवी डिवाइडेड बाय बीएच के लिख सकते हैं तो ये पॉपुलर रिजल्ट है कि अगर आपको नॉर्मली क्या होता है कि वर्टिकल कॉम्पोनेंट या हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कुछ एक दे देते हैं और उसके बाद फिर वो आपको डिक्लिनेशन निकालने के लिए बोलते हैं या डिक्लिनेशन दे देंगे इंक्लिनेशन दे देंगे इंक्लिनेशन दे दें और बीवी और बीएच में से कोई एक दे दें तो फिर आपको दूसरे कंपोनेंट के बारे में पूछ सकते हैं तो ये बस एक सिंपल सा टैन लॉ लगा के आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है यस सर अब इस एंगल को मेजर करने के लिए एक सेटअप होती है जिसको हम डिप सर्कल कहते हैं इस एंगल को मेजर करने के लिए एक सेटअप होता है डिप सर्कल कहते हैं द एपरेटस यूज्ड टू मेजर dip angle is dip circle ठीक है अब नाम से ऐसा लग रहा है कि dip circle कुछ एक अनोखा चीज है but dip circle कुछ अनोखा चीज नहीं है ये just एक magnetic compass ही होता है this is just a magnetic compass dip circle is just a magnetic compass मतलब magnetic needle ही है बट इस मैग्नेटिक कॉम्पस के लिए जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन होती है वो वर्टिकल होती है दैट्स द ओनली डिफरेंस जस्ट अ मैग्नेटिक कॉम्पस हुज प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज वर्टिकल प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इसको पीओओ कह लेना ठीक है प्लेन ऑफ ऑसिलेशन के लिए इज वर्टिकल इस मतलब जिस प्लेन में नीडल ऑसिलेट करती है उसको प्लेन ऑफ डिप सर्कल भी कहते हैं प्लेन ऑफ डिप सर्कल इसको मैं आपको एक बार दिखाता हूं फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा ये देखो ये सेटअप बेसिकली आपका डिप सर्कल का है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक घड़ी के डायल के जैसा दिख रहा होगा दिख रहा है घड़ी का डायल जैसा दिख रहा है यस सर वहां पे एंगल्स मार्क्ड है वहां पे सारे जगह पे एंगल्स मार्क्ड है और एक नीडल दिख रहा होगा आपको नीडल का एक नॉर्थ साउथ है मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा ही और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में देखो बी अर्थ लिखा है मैंने देखो दिख रहा है डायग्राम में बी अर्थ लिखा हुआ है तो जिस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है नीडल अपने आप को उस डायरेक्शन में अलाइन कर चुका है अब जिस डायरेक्शन में उसने अपने आप को अलाइन कर लिया तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता चल चुका है और हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल होगा क्या वही उसका डिप एंगल है या नहीं है
तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, आपको नीडल का जो पॉइंटर है वो तो दिखाई देगा ना, क्योंकि एंगल्स तो मार्क्ड है यहाँ पे घड़ी के डायल की तरह, कितने एंगल पे आपका नीडल पॉइंट कर रहा है वो एंगल तो तुरंत ही आपको मिल जाएगा ना यहाँ पे, समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ? यस सर। बट एक चीज आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो मतलब जो प्लेन ऑफ डिप सर्कल है, मतलब इसको कह रहे हैं ये आपका प्लेन ऑफ डिप सर्कल है, मतलब जिस प्लेन में आपका नीडल ऑसिलेट कर रहा है उस प्लेन को प्लेन ऑफ डिप सर्कल कहते हैं, ठीक है? सो दिस इज प्लेन ऑफ डिप सर्कल, और इस प्लेन ऑफ डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड करना पड़ेगा ना, होगा नहीं होगा? क्योंकि आपको याद है कि अर्थ की ट्रू मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में मिलती थी, मैग्नेटिक मेरिडियन में मिलती थी ना? यस सर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन को इंसिडेंट विथ प्लेन ऑफ डिप सर्कल होनी चाहिए, प्लेन ऑफ डिप सर्कल होनी चाहिए, प्लेन ऑफ डिप सर्कल को पीओडीसी लिख रहा हूँ, ठीक है? इन शॉर्ट समझ आई आपको? सॉरी तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि मतलब जब हम डिप सर्कल कह रहे हैं तो कोई अनोखा चीज नहीं है, कोई एक अनोखा चीज हमने नहीं किया है, ये जस्ट पुरानी चीज है, मतलब जो आपने पहले पढ़ रखा है वही वाली चीज ही है, मतलब नीडल नॉर्मली नीडल ही है, और वो नीडल का बस प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को आपको वर्टिकल रखना पड़ेगा, एंड वर्टिकल रखने से कोई रैंडम वर्टिकल प्लेन पे नहीं रखना है, क्योंकि आप वर्टिकल प्लेन तो इनफाइनाइट नंबर इमेजिन कर सकते हैं, बट आपको प्लेन ऑफ डिप सर्कल को सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड करता हुआ चूज करना है। बात समझ आई आपको? यस सर। ठीक है, अब अगर प्लेन ऑफ डिप सर्कल से कोइंसाइड कर गया तब जो डिप एंगल मिलती है उसको हम ट्रू डिप कहते हैं, ट्रू डिप। सो किसी जगह का ट्रू डिप फिक्स वैल्यू होगा, किसी जगह का ट्रू डिप फिक्स वैल्यू होगा। इस तरह के सिचुएशन में व्हेन एमएम इज कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट विथ पीओडीसी देन the measured dip angle is known as true dip। ठीक है, टर्म को ध्यान रखिएगा, true dip। true dip कब बोलते हैं? जब आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और प्लेन ऑफ सर्कल कोइंसिडेंट है। बट आप किसी भी और प्लेन पे अगर मेजर करोगे, किसी भी और वर्टिकल प्लेन पे, तो उस केस में हम उसको apparent dip बोलेंगे। So the dip angle measured for any other vertical plane, any other matlab other than magnetic meridian is known as apparent dip। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, apparent dip और true dip के बीच में रिलेशन क्या है? जैसे इमेजिन करो कि हमने ये देखो, ये हमने दो वर्टिकल प्लेन अलग अलग चूज किया है, मान लेते हैं हमने ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, बट प्लेन ऑफ डिप सर्कल हमने ऐसा चूज किया है, लेट अस से ये जो इंक्लाइन करके दिखा रखा है इसके साथ, दिस इज प्लेन ऑफ डिप सर्कल। ठीक है, आपको अर्थ की ट्रू मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिलेगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैग्नेटिक यस सर। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में आप BH और BB दोनों दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे दिस इज BH
एंड यहाँ पे दिस इज डीवी, ठीक है। और मान लेते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन और प्लेनर ऑफ सर्कल, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा दिखा रखा मैंने, ठीक है। तो एक चीज लॉजिकली सोच के देखो कि प्लेन ऑफ डेप्थ सर्कल, देखो प्लेन ऑफ डेप्थ सर्कल भी वर्टिकल है, मैग्नेटिक मेरिडियन भी वर्टिकल है, तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट मैंने दिखा रखा बी वी, ये दोनों के लिए कॉमन है या नहीं? यस सर, दिख रही है सबको? दिख रही है जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये प्लेन ऑफ डेप्थ सर्कल में भी है और मैग्नेटिक मेरिडियन में भी, मतलब कोई भी वर्टिकल प्लेन में चले जाओ बी वी तो रहेगा ही ना। यस सर, समझ आ रही है? तो उसका कंपोनेंट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको क्योंकि वो तो ऑलरेडी सारे वर्टिकल प्लेन में है। बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना आपको। यस सर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंपोनेंट ले रहे हैं इसका, यहाँ पे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अब कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इस प्लेन में जो मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड मिल रही है इसको हम बी एच डैश बोलेंगे, दिस विल बी बी एच डैश। बी एच डैश मतलब कि एपरेंट जो फील्ड का कंपोनेंट मिल रहा है मुझे, मतलब फील्ड अर्थ की ट्रू फील्ड तो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन में ही मिलेगी, यहाँ पे जो मिल रही है मुझे एपरेंट फील्ड मिल रही है। तो अब अगर आप इसका प्लेन ऑफ डिप सर्कल का अगर डायग्राम सोचोगे तो प्लेन ऑफ डिप सर्कल का डायग्राम कैसा दिखेगा? ये बी एच डैश जो है, बी एच डैश ये कितनी है, बी एच इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट है ना? ठीक है, बीवी कॉमन है, ध्यान रखिएगा। तो अब सोच के देखो कि अगर मैं इसको वापस एक बार रीड्रॉ करता हूं, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये पीओडीसी वाला है, ठीक है, दिस इज पीओडीसी। इसमें आपने देख लिया कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी एच डैश एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है दैट इज बीवी। इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो अर्थ की एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं मिलेगी, एपरेंट मिल जाएगी, मतलब जो इस फील्ड में होगा, इस प्लेन में होगा। सो दिस इज, आप ये कह सकते हैं दिस इज बी एपरेंट, मतलब ये एपरेंट फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रू फील्ड नहीं है। तो अब देखो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे इस प्लेन में अपेयर हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे अपेयर हो रही है, इस एंगल पे अपेयर हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है? देखो yes, sir. तो इसी को अब हम क्या बोलेंगे, apparent angle of dip बोलेंगे। तो delta dash over here is the apparent dip for the chosen plane। ठीक है, अब इस डेल्टा डैश को अगर आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब यहाँ पे तो आपने ऑब्वियसली आपको ये समझाना चाहिए कि नीडल पॉइंटर आपने यहाँ लगा रखा था, मतलब वही मैग्नेटिक कंपास का, ये मैग्नेटिक कंपास का देखो पॉइंटर था, इसी ने आपको वो एंगल मेजर करके दिया है। समझ आ रही है आपको? यस सर। तो अभी अगर आप टैन ऑफ डेल्टा डैश अगर लिखते हो तो टैन डेल्टा डैश के लिए क्या लिखोगे आप, बी वी डिवाइडेड बाई बी एच डैश लिखोगे या नहीं? लिखोगे ना? Yes, sir. अब इसमें बी एच डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो गया बी वी डिवाइडेड बाय दिस इज बी एच इनटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, एंड बी वी बाय बी एच ये तो टैन डेल्टा था, तो टैन ऑफ डेल्टा डैश दैट कैन बी रिटन एज टैन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। समझ आई? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये रिलेशन बेसिकली आपकी ट्रू डिप, एपरेंट डिप एंड फॉर द चोजन थीटा, मतलब कि कितने एंगल पे आपने डिप डिप सर्कल को रखा है उसके बीच का रिलेशन हो गया। तो ये रिलेशन पे डायरेक्टली बेस करके फॉर्मूला कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इनकेस भूल भी जाओ तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना, ये वाले डायग्राम को याद रखो, अपने आप सब समझ आ जाएगा कि एक है मैग्नेटिक मेरिडियन जिसमें ट्रू फील्ड मिलती है आपकी, मतलब बी एच भी है और बीवी भी है, उस वक्त किसी भी आर्बिट्री एंगल पे अगर आप प्लेन ऑफ डिप्थ सर्कल को रखते हो तो बीवी तो कॉमन रहेगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड है, बट बीएच का एक कंपोनेंट आ जाएगा और वो बीएच का बीएच कॉस थीटा करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, yes. अब एक चीज इसमें देखो, एक चीज अगर ध्यान दोगे आप तो कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी ना, होगी नहीं होगी? yes. कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा, और अगर कॉस थीटा 1 से छोटा है
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टैन डेल्टा डैश ये हमेशा टैन डेल्टा से बड़ा होगा? कह सकते हैं? Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब डेल्टा डैश विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा और नॉट, है ना? इसका मतलब एपरेंट डिप हमेशा क्या होगा? ट्रू डिप से बड़ा होगा. एपरेंट डिप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ट्रू डिप एट दैट प्लेस. तो कई बार इससे ऑप्शंस भी एलिमिनेट करने के आप काम में ला सकते हैं. मतलब जैसे अगर मान लो कि आपको यू नो किसी जगह का एपरेंट डिप दे रखा है और आपको ट्रू डिप निकालना है, चार ऑप्शन है, उसमें से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे एपरेंट डिप ट्रू डिप से छोटा है, तो वो सारे ऑप्शंस तो नहीं हो सकते ना? हो सकते हैं क्या? नो सर. नहीं, तो इसीलिए जो ऑप्शन में आपको एपरेंट डिप ट्रू डिप से बड़ा दिख रहा है वही ऑप्शन होगा, ये तो पक्का है. गेटिंग इट? यस सर. ठीक है, yes, तो ये चीज का ध्यान रखना कि एपरेंट डिप ट्रू डिप से हमेशा बड़ा होता है. क्या एपरेंट डिप ट्रू डिप से इक्वल हो सकता है कभी? ये तब होगा yes. जब cos थीटा का वैल्यू 1 होगा, और cos थीटा का वैल्यू 1 मतलब थीटा 0 डिग्री लिया आपने, है ना? यस सर. यस सर. इसका मतलब कि हमारा जो प्लेन है, हमारा जो प्लेन मतलब जो प्लेन ऑफ डिप सर्कल था, अगर उसका प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड कर गया, तब तो आपने ट्रू डिप ही मेजर किया ना, एपरेंट डिप थोड़ी ना मेजर किया है. समझ आ रही है? Yes, sir. तो अगर कोई बोल रहा है कि apparent dip true dip से match कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका magnetic meridian and plane of dip circle coincide कर रही है, ठीक है? इससे आप ये भी कह सकते हैं, इसको देख के आप ये भी कह सकते हैं कि magnetic meridian वो vertical plane है. Magnetic meridian is that vertical plane at which the dip angle measured will be minimum. कह सकते हैं क्या? Dip angle जहां पे minimum होगा, वही तो आपका magnetic meridian होगा. Yes, sir. होगा ही नहीं होगा? क्योंकि डिप जो एपरेंट डिप आ रही है वो ट्रू डिप से हमेशा बड़ी आ रही है, एक ही केस में वो इक्वल हो सकती है. yes, और वो sir. कब हो सकती है? जब दोनों को इंसिडेंट प्लेन है, राइट? यस सर. तो इसका मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन आइडेंटिफाई करना काफी आसान है. देखो, आप मुझे देख पा रहे हो? एक बार चेक करो, मुझे देख पा रहे हो? यस सर. अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक मेरिडियन को आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि मैग्नेटिक मेरिडियन कहां पे है और कैसा दिखता है, हाउ डू आइडेंटिफाई कि मैग्नेटिक मेरिडियन इस जगह पे कैसा है, तो ये आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? जैसे मान लो कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये जो मैं हाथ दिखा रहा हूँ ये अर्थ का सरफेस है. एंड इमेजिन करो कि ये जो है, ये सेटअप जो है, ये मान लेते हैं कि वो डिप सर्कल का ही वर्टिकल प्लेन है, ठीक है? ये डिप सर्कल का वर्टिकल प्लेन है, तो इसको आप इमेजिन करो कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन का ये प्लेन ऑफ डिप सर्कल है. मैंने क्या किया, इसको वर्टिकल रखा, ऐसे वर्टिकल रख दिया, तो मुझे कुछ डिप एंगल मिल रही होगी. मैं इसको घुमाना शुरू करता हूँ यहाँ पे, तो डिप एंगल चेंज कर रही हो क्योंकि एपरेंट डिप अलग अलग एंगल पे अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है? तो इसको, बट एक चीज नोटिस करो, मैं हर बार इसका जो ओरिएंटेशन रखा है मैंने वर्टिकल ही रखा है. दिख रही है आपको? कैन यू सी दिस? यस सर. ठीक है, तो ये हर बार वर्टिकल ही है, तो इसलिए सारे वर्टिकल प्लेन में मुझे कुछ ना कुछ डिप एंगल मिलेगा, और ये डिप एंगल चेंज हो रहा होगा. तो अगर डिप एंगल की वैल्यू मुझे देख रहा हूं मैं कहीं पे सबसे कम मिली, मान लो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे सबसे कम मिली है डिप एंगल, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन का जो वर्टिकल प्लेन है यही तो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया. यस सर. समझ आई? तो डिप एंगल मतलब आपको मैग्नेटिक मेरिडियन आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल सा सेटअप है. आप एक मैग्नेटिक कॉम्पस ले लो, उसका प्लेन को वर्टिकल कर दो और उसको घुमाना शुरू करो, और देखो कि कहां पे डिप एंगल आपको सबसे कम मिल रही है. जहां पे डिप एंगल आपको सबसे कम मिली वही आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया. समझ आया? Yes, sir. एक और काम कर सकते हैं, इससे भी आसान काम है, अगर सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं तो एक और आसान काम है. आप क्या करो, जैसे ये अर्थ का सरफेस है और इस अर्थ के सरफेस पे आप अपने मैग्नेटिक कॉम्पास को हॉरिजॉन्टल रख दो इस बार, ठीक है? वर्टिकल नहीं रखो. अगर हॉरिजॉन्टल रखोगे तो ये किस डायरेक्शन में अपने आप को ओरियंट करेगा, किस डायरेक्शन में ओरियंट करेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, राइट? करेगा ना? यस सर. राइट, तो अगर मान लेते हैं कि अर्थ का फील्ड इस तरफ है, तो वो अपने आप को इसी डायरेक्शन में अलाइन करके रख लिया. अब आपको अगर पता चल चुका है कि अर्थ की फील्ड इस तरफ है, तो यहां से एक वर्टिकल प्लेन आप ड्रॉ कर दो, ये वर्टिकल प्लेन ही तो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गई ना. Yes, समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? Yes, तो मैग्नेटिक मेरिडियन आइडेंटिफाई करना काफी आसान काम है. तो आपको अगर कोई बोले मैग्नेटिक मेरिडियन आइडेंटिफाई करना है, इस पे बेस करके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसने बोला कि इन इन में से कौन सा तरीका आपको मैग्नेटिक मेरिडियन बता देगा कौन सा है, तो आपको समझ में आनी चाहिए. इसको मेंशन भी कर दे रहा हूं मैं, मैग्नेटिक मेरिडियन इज दैट
PODC, plane of the circle, at which the measured dip by dip circle is minimum. Is minimum. I hope आपको समझ आ गई है. Yes sir. Yes sir. अब कुछ चीजें जैसे अगर आपको कोई पूछे कि poles में dip angle कितनी है, poles में ये सब चीजें common sense से आप कर सकते हैं. पोल्स का फील्ड लाइंस कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है ना? यस सर. और अगर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री. समझ आ रही है? तो पोल्स में आपको डिप एंगल 90 डिग्री मिलेगी. यही अगर आप इक्वेटर पे चले जाओगे तो इक्वेटर पे फील्ड लाइंस कैसे थे? पैरेलल टू सरफेस थे. तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ अगर पैरेलल हो गया तो एंगल मेड बाय द फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल कितना है? 0 डिग्री है ना? 0 डिग्री. समझ आ रही है? Yes. ठीक है, तो इससे आपको ये समझ आनी चाहिए कि dip angle is 0 degree at poles, at equatorial plane, या equator लिख लेते हैं, at equator and 90 degree at poles. ठीक है, रीजन ऑलरेडी जस्टिफाई कर दिया. 0 degree क्यों बोला हमने? क्योंकि वहां पे फील्ड लाइंस पैरेलल टू सरफेस है. 90 degree क्यों बोला? क्योंकि वहां पे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस है. ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो. जैसे अगर मान लो कि आपको किसी ने जैसे ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप आंसर करेंगे. ठीक है, जिसको स्ट्राइक करे वो आंसर करेंगे. इमेजिन करो कि अगर आपको किसी ने कह रखा है कि आप एक लोकेशन पे गए, कोई भी एक रैंडम लोकेशन पे चले गए, यू गो टू अ रैंडम लोकेशन. रैंडम लोकेशन कह रहा हूं मतलब आप इक्वेटर या पोल ये इमेजिन नहीं करना, कोई भी एक आर्बिट्री लोकेशन इमेजिन करना. उस आर्बिट्री लोकेशन पे अगर मैंने बोला कि आप मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर जा चुके हो, मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर, आप चीजों को विजुअलाइज करो पहले कि मैं क्या कह रहा हूं. मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी जगह का एक फिक्स वर्टिकल प्लेन है जिसमें अर्थ की ट्रू मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने बोला कि इसके साथ आप परपेंडिकुलर चले जाओ, मतलब ऐसे चले गए आप, राइट है ना, ऐसे. यस सर. ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक मेरिडियन में तो बीएच और बीवी दोनों है, बट इस प्लेन में, चोजन प्लेन में आपको सिर्फ बीवी मिलेगा, क्योंकि बीएच का कोई कंपोनेंट अब नहीं हो सकता है, क्योंकि बीएच कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? 0. राइट, समझ आ रही है आपको? यस सर. तो इस केस में, इस केस में, इस चोजन प्लेन के लिए आप डिप एंगल कितना मेजर कर रहे होंगे? 90 डिग्री ना करेंगे? नहीं. क्योंकि इस चोजन प्लेन में आप बस हमेशा ये सोचो कि इस चोजन प्लेन में आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल रही है, सिर्फ बीवी मिल रही है, क्योंकि बीएच का कॉस 90 तो 0 ही हो गया ना. यस सर. समझ आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चंस आप जस्ट आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी आएगा, बट इतना ज्यादा कुछ फॉर्मूला लगाने का है नहीं. आपको बस ये सोचना है कि मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या दिख रही है उस प्लेन में, और जिस प्लेन में दिख रही है उस प्लेन में वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल पे, जितने एंगल पे वो इंक्लाइन दिखेगा वही एंगल उसका एंगल ऑफ डिप हो जाएगा. ठीक है. Yes. Yes. अब मान लो कि किसी ने आपको ये कह रखा है कि एक मैग्नेट लिया हमने, मान लो एक मैग्नेट ले रहे हैं या मैग्नेटिक कॉम्पास ले रहे हैं, और उस मैग्नेटिक कॉम्पास को हम वर्टिकल प्लेन में रखते हैं, और वर्टिकल प्लेन में मान लो ऑसिलेट कराने के लिए छोड़ रहे हैं. ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कोई भी एक वर्टिकल प्लेन है, और इस वर्टिकल प्लेन में एक नीडल है, ये अलाइन कर लिया आपने, आपको अलाइन कर लिया मतलब उसको कुछ ना कुछ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग उसने अलाइन कर लिया है. अब इस अलाइनमेंट में क्या हम उसको ऑसिलेट करवा सकते हैं? ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा सकते हैं? Yes, करा सकते हैं ना? Yes, समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको याद है ना कि अर्थ की मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी बार मैग्नेट को छोड़ते हो तो वो बार मैग्नेट उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के चारों तरफ क्या करता है, मतलब अबाउट ऑसिलेट कर सकता है ना, याद है आपको? Yes, तो इस केस में जब हमसे अगर कोई पूछे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस बार मैग्नेट का या मैग्नेटिक नीडल कह रहे हैं उसका कितना है, तो टाइम पीरियड में हम क्या यूज करते थे? 2π√i/mv, याद है? Yes, I is moment of inertia of bar magnet, M is magnetic moment of bar magnet. तो इनको तो orientation से कोई लेने देना नहीं है, ये तो वही fixed value है. But जो magnetic field आपको इस plane में दिख रहा है, आप सोच के देखो, इस जगह का actual magnetic field क्या है, और इसके plane में magnetic field क्या है, ये दोनों तो अलग हो सकता है ना, हो सकता है नहीं? Yes, जैसे अगर सोचो कि जैसे imagine करो कि ये जो plane है ये magnetic मेरिडियन का plane है,
बट मैंने जो नीडल को रखा है वो इस प्लेन में रखा है, इस प्लेन में रखा है, दोनों अलग अलग एंगल पे देखो, ठीक है, दोनों अलग अलग ओरिएंटेशन पे है। तो अगर आपने इस प्लेन में उसको ऑसिलेट कराया होता, इस प्लेन में उसको ऑसिलेट कराया होता, तब आपको जो अर्थ की ट्रू मैग्नेटिक फील्ड है वही लेनी होती। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी में बी आप वही यूज करते जो इस प्लेन में आपको मिल रही थी, मतलब ट्रू फील्ड। बट अगर आप इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन वाले प्लेन में अगर आपने नीडल को रखा है, तब तो आपको यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको वो लेना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ का एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मतलब यहाँ इस प्लेस का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये दोनों तो अलग चीज हो गई ना। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. So, आपको हमेशा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी जब आप यूज कर रहे हो तो बी हैज टू बी द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन एंड दिस माइट बी अ डिफरेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आइए आपको? Yes, sir. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आप एक्सपेक्ट करते हैं और वो आते हैं। इफ अ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल इज अलाउड टू ऑसिलेट इन अ वर्टिकल प्लेन देन वर्टिकल प्लेन नहीं लिखे, इन अ प्लेन कर लेते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी ऑसिलेट कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन अ प्लेन कर लेते हैं, इन अ प्लेन देन इफ अ बार मैग्नेट और मैग्नेट नीडल इज अलाउड टू ऑसिलेट इन अ प्लेन देन द टाइम पीरियड इज t equal to 2 pi root under I by mb. Here, b has to be the magnetic field in the plane of oscillation. which might be different from the actual magnetic field at that place. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड क्या है और उसके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन में फील्ड क्या है, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मान लेते हैं, लेट अस से v इज इक्वल टू बी पी ओ ओ कह लेते हैं, ठीक है, पी ओ मतलब आपको तो बताया कि प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड in the plane of oscillation, ठीक है, POO, plane of oscillation. तो अब कुछ common values मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वो कुछ लोगों को फिर भी समझ नहीं आता है, तो कम से कम values को हमसे याद रखेगा। Some common values of B POO. रूट अंडर बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। आप बताइए ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे? जब 90 डिग्री होगा। नहीं, दोनों लिया है तो इसका मतलब पक्का है मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसिडेंट था ना।
Yes, sir. So this will be the situation when plane of oscillation is coincident with magnetic meridian. ये दोनों ही same होंगे, ठीक है? एंड इसमें प्लेन ऑफ ऑसिलेशन हमने वर्टिकल लिया, ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि बीवी और बीएच दोनों आए हैं यहाँ पे, राइट? यस, ठीक है. सो इफ प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज कोइंसिडेंट विद मैग्नेटिक मीडियम, मतलब कि यहाँ पे प्लेन ऑफ ऑसिलेशन वर्टिकल था. अब लिख रहे हैं बीवी स्क्वायर प्लस बीएच कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ये कब होगा? सो जब थीटा एंगल पे इंक्लाइन हो. सो इफ plane of oscillation is at theta with magnetic meridian, ठीक है? And obviously magnetic meridian अगर vertical है तो plane of oscillation भी आपका vertical होना पड़ेगा, ठीक है? Okay. अब हम लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ BH. ये कब होगा? Sir, जब plane of oscillation horizontal होगा. Plane of oscillation horizontal हो, correct. एक एक सिचुएशन तो ये पॉसिबल है कि प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को आपने हॉरिजॉन्टल ही कर दिया है, ठीक है? प्लेन ऑफ ऑसिलेशन अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा भी अगर वहां पे, तो क्या उसका कोई रोल होगा? नहीं. देखो, अगर सोचो ऐसे ऐसे सोचो कि अगर मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और मेरा नीडल जो है वो इस प्लेन में ही ऑसिलेट कर रहा है, इस प्लेन में ही ऑसिलेट कर सकता है, तो इस प्लेन में उसको कौन ऑसिलेट कराएगा? हॉरिजॉन्टल फील्ड ही तो ऑसिलेट कराएगा ना. यस सर, समझ आ रही है? वर्टिकल फील्ड इसको ऑसिलेट नहीं करा सकती है क्योंकि इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन रिस्ट्रिक्टेड है. अब ये चीज यू नो थोड़ा सा ध्यान रखना. देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ बीएच ऑसिलेट करा रहा है, बट वर्टिकल प्लेन में बीएच और बीवी दोनों मिलके ऑसिलेट करा रहे हैं. समझ आ रही है? यस सर. ठीक है, ऐसा नहीं बोलना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर बीएच ऑसिलेट करा रहा था तो वर्टिकल प्लेन में बीवी ऑसिलेट कराएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में बीएच भी तो कंटेन होता है ना. यस सर. बट हॉरिजॉन्टल प्लेन में बीवी कंटेन नहीं होता. क्या कंटेन है ये? नहीं सर. समझ आ रही है? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बीएच कब लेना है हमें. बीएच हमें तब लेना है जब जो हमारा नीडल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि तब लेना है जहां पे अगर अगर मान लो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, सपोज मैंने एक ऐसा सिचुएशन आपको बोला है, आप सोच के मुझे बताना ये कब हो सकता है. मैंने बोला कि हमारा प्लेन ऑफ ऑसिलेशन वर्टिकल है फिर भी हम सिर्फ बीएच ले रहे हैं, ये कब लेंगे? हमारा प्लेन ऑफ ऑसिलेशन वर्टिकल है बट फिर भी हम सिर्फ बीएच यूज कर रहे हैं टाइम पीरियड में, ये कब होगा? बताओ. इक्वेटर पे, इक्वेटर पे बीवी होता है क्या? नहीं सर. नहीं, तो सिर्फ वैसे बीएच ही तो आया ना वहां पे, राइट? अगर आपने, मैंने आपको क्या बोला, वर्टिकल प्लेन में आपको बीएच और बीवी दोनों लेना है, और मैंने बोला कि सिर्फ वैसे बीएच ही आ रहा है, इसका मतलब बीवी नहीं है ना वहां पे. समझ आ रही है? तो इक्वेटर पे अगर होते तो वहां पे वो भी यूज करते, ठीक है? सो बीएच आपको कब यूज करना है? दिस इज बीएच विल बी यूज्ड इफ if the plane of oscillation is horizontal or POO is vertical and at equator, तो ये दोनों सिचुएशन में पॉसिबल है. अब बताइए सिर्फ बीवी कब यूज करेंगे आप? 90 degree. 90 डिग्री सिर्फ बोल के छोड़ दोगे तो मैं कैसे समझूंगा? किसके साथ 90 डिग्री? तुम्हारे साथ? सर, 90 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन. गुड, 90 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन अगर आप चले गए तो फिर उस केस में बीएच का कोई कंपोनेंट ही नहीं मिलेगा, और अगर बीएच का कंपोनेंट नहीं मिला तो सिर्फ बीवी मिल रहा है, और सिर्फ बीवी मिल रहा है तो उस केस में वही ऑसिलेट कराएगा, राइट? यस सर. एक और सिचुएशन आप इमेजिन करो, अगर आप पोल्स पे चले जाओगे, पोल्स पे चले जाओगे तो पोल्स में क्या बीएच होगा? नो सर, पोल्स में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं. तो अगर आप इमेजिन करो, जैसे ऐसे सोचो, इमेजिन करो कि हम पोल्स पे अभी, ठीक है, मतलब अर्थ के ज्योग्राफिक पोल में है, मतलब या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल वहां पे, ठीक है. अब ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसे है, वर्टिकल है. अब सोचो मैं यहाँ पे ऐसा प्लेन चूज करूँ, देखो ऐसा प्लेन चूज करूँ तो इसमें अर्थ की बीवी है, अगर मैं ऐसा चूज करूँ तो भी बीवी है, अगर ऐसा चूज करूँ तो भी बीवी है, तो इस केस में क्या ओरिएंटेशन जो प्लेन का है क्या ये मैटर करेगा? नो सर. नो सर. नहीं,
तो इसका मतलब ये निकला कि अगर आप पोल्स पे चले जाओगे तो पोल्स में किसी भी वर्टिकल प्लेन में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, पोल्स में किसी भी वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो आपको उसे बीवी मिलेगा। समझ आई? यस यस ठीक है। सो बीवी इज टू बी यूज्ड। एक तो कंडीशन ये है जो आपने पहले बोला, सो इफ प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, और दूसरा कंडीशन क्या है, द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज एनी आर्बिट्री वर्टिकल प्लेन, आर्बिट्ररी वर्टिकल प्लेन एट इक्वेटर, सॉरी एट पोल्स, क्या लिखा, एट पोल्स। क्या सबको ये बात समझ आ गई है? देख लो किसी में कंफ्यूजन है तो पूछ लो, किसी को भी कंफ्यूजन हो रही तो पूछ लो, क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ के रखनी है। ऐसा नहीं है रट लेना है, क्योंकि रटोगे तो इतना ज्यादा कुछ काम आएगा नहीं, क्योंकि भूल जाओगे आप, रटने से तो भूल जाओगे बहुत सारी बातें। आपको रटना नहीं है, ये चीजें समझ लेनी है। समझ आ गई सभी को? ओके, अब आप सोच समझ के बताएंगे, अगर आप समझ रहे हो तो लेट्स सी व्हेदर यू अंडरस्टैंडिंग ऑर नॉट। मान लो कि हम इक्वेटर पे चले गए हैं, अब मैं जैसे ही बोलूं तो आप तुरंत से विजुअलाइज करना, खुद से सोचते रहो कि जब मैं इक्वेटर बोल रहा हूं तो वहां पे फील्ड लाइंस कैसे हैं, आप खुद से सोचेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैं इक्वेटर पे गया और इक्वेटर पे हमने जो प्लेन ऑफ सर्कल चूज किया है या प्लेन ऑफ ऑसिलेशन चूज किया है बार मैग्नेट के लिए, वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन चूज किया है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। वहां पे डिप एंगल क्या आएगा पहले ये बताओ, डिप एंगल क्या आएगी? सर अनडिफाइंड। गुड, अनडिफाइंड होगा, जस्टिफाई करिए। सर क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बीवी भी जीरो होगा, बीएच भी जीरो होगा। गुड, क्योंकि वहां पे अगर आप इक्वेटर पे गए, पहली चीज तो इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भी आपने कंपोनेंट जो बीएच कॉस 90 था उसको आपने जीरो कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी जीरो हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट भी जीरो हो गया, तो फिर नीडल क्या कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा खुद से? क्योंकि उसको डिफ्लेक्ट कौन करा रहा था, उसको डिफ्लेक्ट ही तो कौन करा रहा था, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड करा रही थी, बट आपने तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन में जीरो कर दिया, तो उसको डिफ्लेक्ट कौन कराएगा? कोई नहीं करा सकता। तो उस केस में आपका एंगल ऑफ डिप डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कि आप नीडल को जिस भी प्लेन में छोड़ोगे उस प्लेन में ही वैसे ही पड़ा रह जाएगा, मतलब उस जिस भी डायरेक्शन में छोड़ोगे उसी डायरेक्शन में पड़ा रह जाएगा, मतलब वो अपने आप को टर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसी लॉजिक से सोचो, अगर उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जीरो हो गई है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन उस प्लेन के लिए अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का लॉजिक क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इनफाइनाइट है तो उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर आप उसको डिफ्लेक्ट करके छोड़ते हो, जैसे नीडल था, नीडल को आपने डिफ्लेक्ट करके छोड़ा, तो वो वापस कब आएगा? इनफाइनाइट टाइम के बाद आएगा। यही तो मतलब निकला ना? यस राइट। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहने का मतलब क्या होता है कि वापस से वो प्रीवियस पोजीशन पे जब पहुंच जाए, यू नो, ऑसिलेट करने के बाद, तो वापस से अगर प्रीवियस पोजीशन पे आ ही गए नहीं, जाएगा ही नहीं, तो आएगा क्या? तो जा ही नहीं रहा है, तो उस केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या बोलेंगे आप? इनफाइनाइट बोलेंगे। और वो क्यों? क्योंकि वहां पे कोई रिस्टोरिंग फोर्सेस ही नहीं मिलेंगे उसको, आप डिफ्लेक्ट करके जब छोड़ोगे तो फिर वो जहां पे छोड़ोगे वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। गेटिंग इट? यस सर। ठीक है, एक छोटा सा, जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन करके आप सोचो, देखो करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। A magnet is suspended such that its plane of oscillation is horizontal. It is found to make it is found to make 60 oscillations per minute at a place where dip angle
is 30 degree and 90 oscillations per minute. At another place where dip angle is dip angle is 60 degrees. Find the ratio of Earth's magnetic field at these two places. देखो क्या रही है, जल्दी करो. छोटा सा क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल सिंपल सा, कुछ इसमें है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड. क्या डिफिकल्ट हो गया क्या? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सिंस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो कौन ऑसिलेट कराएगा? बीएच. बीएच तो क्या यूज करेंगे? टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट अंडर बीएच. यहां पे टाइम पीरियड दिया है, उसने फ्रीक्वेंसी दिया है. तो फ्रीक्वेंसी, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर बीएच. लिख सकते हैं. Yes. Yes. और पीएच की वैल्यू कितनी होती है? बी कॉस डेल्टा होती है ना? कॉस डेल्टा. राइट? यस सर. आपको तो ट्रू फील्ड चाहिए, आपको तो हॉरिजॉन्टल फील्ड का रेशियो नहीं चाहिए, आपको तो उसने ट्रू फील्ड का रेशियो पूछा है. तो आपको उसको एंगल ऑफ डिप और ट्रू फील्ड के रेस्पेक्ट में तो लिखना आता ही है. तो बस काम हो गया. सो एफ वन बाई एफ टू अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे? रूट अंडर बी वन इंटू कॉस ऑफ डेल्टा वन डिवाइडेड बाई B2 into cos of delta 2. That's it. F1 by F2 matlab 60 by 90 and that will be root under B1 into cos of 30 divided by B2 into cos of 60. Ho gaya. Ye ho gaya 2 by 3 and cos 30 matlab root 3 by 2. 2 to cut jayega. So B1 or B2 ka ratio aa jayega. That is 4 by 9 root 3. Ye answer ho gaya. समझ आई? यस सर. ठीक है. अगर वर्टिकल कंपोनेंट का रेशियो पूछते तो क्या करते हैं? अगर मान लो वर्टिकल कंपोनेंट का रेशियो पूछते तो क्या करते हैं? सर जीरो आता. क्या बोला? जीरो आता. जीरो आता. वर्टिकल कंपोनेंट का रेशियो जीरो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है नॉन जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट का रेशियो जीरो आ गया. उस केस में आप बी एच को किसके टर्म्स में लिखते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं. तो टैन डेल्टा को जब आप लिखते थे तो टैन डेल्टा को क्या लिखते थे? बी वी बाई बी एच लिखते थे या नहीं? Yes. तो बी एच की वैल्यू को आप क्या लिखते हैं? बी वी डिवाइडेड बाई टैन थीटा, टैन डेल्टा, ये लिखते आप. तो उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर आप निकाल लेते बी वी का रेशियो. समझ आ रही है आपको? Yes. आपको क्या दिया है, क्या डेटा है और क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग तो आपका स्ट्रेटजी चेंज होगा ना. कोई फिक्स स्ट्रेटजी थोड़ी ना है. यहाँ पे बीएच दिया था, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ था और आपको बी का रेशियो पूछा था, तो कॉस डेल्टा यूज किया. अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली टैन डेल्टा यूज करना होगा आपको वहां पे. ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है. Relation between dip angles
in two mutually perpendicular vertical planes. ये देखो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन दिखा रखा है एंड ये मान लेते हैं ये पीओडीसी वन है, मतलब फर्स्ट सिचुएशन में, एंड ये दूसरा पीओडीसी है, दिस इज पीओडीसी टू, मतलब दो अलग अलग प्लेन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों प्लेन का डिप एंगल डेल्टा वन एंड डेल्टा टू मान लेते हैं, एंट्रूडिव डेल्टा मानते हैं, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करनी है। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, so since mutually perpendicular planes हैं तो ये 90 minus theta हो जाएगा, होगा ना, होगा? Yes sir. True, yes, sir. True magnetic field तो आपको magnetic meridian में मिलेगा, तो ये वाली component है BH, तो इधर की component हो गई BH cos theta, BH cos theta, और इधर की component हो गई BH sin theta, और vertical component तो सबके लिए common है, तो यहाँ पे बी भी तो आ गई आएगा। तो अब सोचो कि अगर आप फर्स्ट प्लेन पे अगर आप एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करते, फर्स्ट प्लेन में एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करते तो क्या लिखते हैं आप, इन पीओडीसी वन लिखते हैं, अगर आप टैन डेल्टा वन लिख रहे हैं इसको, ठीक है, टैन डेल्टा वन, इसको क्या लिखते हैं आप, बी वी डिवाइडेड बाई बी एच कॉस थीटा, एंड दैट वुड बी टैन डेल्टा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये लिखते हैं आप, yes, ठीक है। अब इन पीओडीसी टू बात करते हैं, इन पीओडीसी टू अब टैन डेल्टा टू अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, बी वी डिवाइडेड बाई बी एच साइन थीटा, एंड दैट बिकम्स टैन डेल्टा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो आपको साइन थीटा मिल गया और कॉस थीटा मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एड करके क्या हम थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं, तो देखो एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, देखो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, हमारा रिलेशन बनेगा टैन डेल्टा डिवाइडेड बाय टैन डेल्टा टू, सॉरी डेल्टा टू का स्क्वायर प्लस टैन डेल्टा डिवाइडेड बाय टैन ऑफ डेल्टा वन का स्क्वायर इक्वल टू वन। अब टैन डेल्टा को आप राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, कॉमन आउट करके राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो इससे अगर आप देखोगे तो आपके पास रिलेशन जो आ रहा है cot स्क्वायर, सॉरी cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा आ रहा है, दिख रही है आपको, यस, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, कि मतलब कि अगर आपको किसी भी लोकेशन पे अगर आपको ट्रू डिप पता है कितना है, ठीक है, ट्रू डिप इज नोन टू यू, एंड उसके बाद फिर किसी एक प्लेन का मैंने आपको डिप एंगल दे दिया कितना है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लेन का जो डिप एंगल होगा जो पहले प्लेन से परपेंडिकुलर है उस प्लेन में डिप एंगल अगर कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्टली आप इस रिलेशन को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा, इस पे भी बेस करके क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन जैसे ही दिखा तो समझ जाना कि ये रिलेशन आपको यूज करना ही करना है, ठीक है, यस सर, यस सर, याद रखना सभी को, यस सर, ठीक है। अब कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं वो आप याद रखेंगे, सम नॉमेनक्लेचर्स टू बी रिमेम्बर्ड। पहला आइसोक्लिनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस क्या होते हैं कि ये वो प्लेसेस हैं अर्थ पे
जिनको कनेक्ट करते हुए आप देखो तो सारे प्लेसेस पे आपको डिप एंगल सेम मिलनी चाहिए. सो दीज आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर डिप एंगल विल बी आइडेंटिकल. दीज आर लाइंस कनेक्टिंग places on earth where dip angle is same. And जहां पे dip angle 0 degree मिलती है, जितने places पे आपको dip angle 0 degree मिलती है उनको connect करता हुआ अगर आप एक line draw करते हो तो उसको a clinic line बोलते हैं. A clinic line, a clinic. The line connecting places on earth with 0 dip angle. A clinic line goes. Next is isogonic. अगर आप वो प्लेसेस को काउंट करोगे जहां पे सेम डिक्लिनेशन मिलती है तो उनको कनेक्ट करता हुआ अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको आइसोकोनिक लाइन कहते हैं. यहाँ पे डिक्लिनेशन सेम होनी चाहिए. आइसोक्लिनिक में सेम डिप एंगल मिलनी चाहिए और आइसोगोनिक में सेम डिक्लिनेशन मिलनी चाहिए. द लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस विथ same declination, same declination. And जहां पे declination 0 degree आती है उसको agonic line बोलते हैं. Agonic line, the line connecting places with 0 declination. ठीक है, तो बस ये टर्म्स ध्यान रखिएगा. इस टर्म्स में कुछ और नाम ऐसा क्यों पड़ रहा है इसका कोई रीजन नहीं है. बस नाम आपको ध्यान रखनी है कि आइसोगोनिक क्या है, अक्लिनिक क्या है, ये सारे टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं. ये सपोज टू रिमेम्बर इट. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. रिलेशन बिटवीन लैटिट्यूड एंड डिप एंगल. किसी भी जगह पे लैटिट्यूड का वैल्यू अगर मैं आपको दे दूं और डिप एंगल अगर आपको पता है तो उनके बीच में रिलेशन क्या एग्जिस्ट करेगा ये फाइंड आउट करना है. अब इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, ये अर्थ इमेजिन कर रहे हैं. लेट्स से दिस इज अर्थ. अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस को ऑलमोस्ट हम कोइंसिडेंट मानेंगे. ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट, इसीलिए अर्थ का रोटेशन एक्सिस के अलोंग ही मैं एक शॉर्ट बार मैग्नेट अर्थ के सेंटर पे मान रहा हूँ. एक शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह फीट कर रहे हैं इसको. ये अजम्पशन है इस क्वेश्चन के लिए. अजम्पशन है कि अर्थ के अंदर मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका बिहेवियर एक छोटे से बार मैग्नेट से रिजेंबल करता है. तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ दिखा दिया, यहाँ पे साउथ दिखा दिया. ठीक है, अब ये हो गया हमारा इक्वेटर. दिस इज द इक्वेटर और इस इक्वेटोरियल प्लेन से एक सर्टेन एंगल पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर रखा है. ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जितना एंगल बन रहा होगा उसका आपको ये पता है. ये वाली एंगल को हम लैटिट्यूड कहते हैं. आपको याद है ना, ये लैम्डा यहाँ पे लैटिट्यूड है. ध्यान है आपको, ये ग्रेविटेशन में भी आपको बताया था लैटिट्यूड, याद है? यस सर. सो ये लैटिट्यूड हो गई है. अब इस लैटिट्यूड पे पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस अगर आप देखोगे, पैरेलल टू सरफेस, तो ये हो गई पैरेलल टू सरफेस वाली फील्ड. इसको हम बीएच कहते हैं. एंड एक है परपेंडिकुलर टू सरफेस वाली फील्ड, इसको हम बीवी कहते हैं. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही हमें नेट फील्ड देता है
और इस नेट फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है उसी को हम डेल्टा कहते हैं, यही है ना? करेक्ट है? yes, सब लिखा सही? यस सर। ठीक है, अब ये देखो, ये तो मैंने अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड BHBV बताया, बट आपके पास एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का एंगल निकालना आता है। बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना होगा ये निकालना आता है आपको, याद है? बार मैग्नेट से हम फील्ड कैसे कैलकुलेट करते थे? आप मैग्नेटिक मोमेंट के कंपोनेंट्स ब्रेक करते थे, याद है आपको? ये लास्ट क्लास में ही आपने सीखा है। साउथ से नॉर्थ की तरफ आप एक मैग्नेटिक मोमेंट दिखा दो। यस सर। ऐसे इधर साइड में मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे ये सोचो कि ये है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज एम, एंड इधर से हमने ये लाइन चूज कर रखा है, यहाँ पे वो पॉइंट है, एंड दिस एंगल ओवर हियर इज लैम्डा, सो ऑब्वियसली दिस वुड आल्सो बी लैम्डा। इसके साथ एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब ये दोनों 90 डिग्री है। तो अभी m के कंपोनेंट्स ब्रेक करें, लैम्डा 90 माइनस लैम्डा, सो दिस इज अगेन लैम्डा। तो देखो m का इधर का कंपोनेंट हो गया m cos लैम्डा, और m का इधर का कंपोनेंट हो गया m sin लैम्डा, ठीक है ना? ठीक है। yes, sir. m cos lambda की वजह से देखो तो वो पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, दिख रही है आपको? yes, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, याद है आपको? yes, so, इसको हमने क्या बोला था? b परपेंडिकुलर बोला था, याद है आपको? याद है? yes, sir. और m sin lambda की वजह से वो तो एक्चुअल पॉइंट है, तो एक्चुअल पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में होगा, तो हो जाएगा b पैरेलल, होगा ना? ऐसे ही होगा। yes, sir. अब इस डायग्राम को आप इससे कोरिलेट करो, देखो तो जो बी परपेंडिकुलर है क्या वही बी एच है? जो बी परपेंडिकुलर है क्या वही बी एच है? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज बी एच, एंड जो बी पैरेलल दिखा रखा है वही क्या है? बीवी है। yes, sir. समझ आ रही है? तो एक्चुअली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का जो सिंबल मैंने यूज किया है वो हमारा बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में हमने यूज किया है, बट सरफेस में अगर आप देखोगे तो उल्टा है, क्योंकि सरफेस में जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है? बीवी है ना? समझ आ रही है? ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप कैलकुलेट कर लेते तो वही नेट फील्ड आपको मिल जाता, और ये नेट फील्ड जो आ रही है, ये जो नेट फील्ड आ रही है, इस नेट फील्ड का एंगल इधर के साथ जो होगा वही तो डेल्टा होगा, तो टैन डेल्टा तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो टैन डेल्टा की वैल्यू दैट विल बी बीवी डिवाइडेड बाय बीएच, एंड बीवी की वैल्यू इज बी पैरेलल, बीएच की वैल्यू इज बी परपेंडिकुलर, शो मी बेटा, आपका माइक्रोफोन ऑफ करिए बेटा। सो बी पैरेलल की वैल्यू आपको पता है, 2km वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 2km बाय आर क्यूब, तो बी पैरेलल की वैल्यू अगर आप यूज करोगे दैट विल बी 2k इनटू m sin लैम्डा डिवाइडेड बाय आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय b परपेंडिकुलर यूज करेंगे तो k इनटू m cos लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अगर आप नोटिस करोगे तो tan डेल्टा की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ tan ऑफ लैम्डा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसका मतलब अगर मैंने आपको लैटिट्यूड दे रखा है तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा वहां पे? डिप एंगल मिल जाएगा, ठीक है? इस रिलेशन को यूज करके आप लैटिट्यूड और डिप एंगल को रिलेट कर पाएंगे। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। Finding out null point for a bar magnet placed in Earth's magnetic field.
एक बार मैग्नेट को हमने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसके लिए हम नल पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहली चीज ये है कि नल पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड नेट आपको जीरो मिलती है, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप जीरो बात कर रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलती है उसी को हम बेसिकली नल पॉइंट कहते हैं। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उससे मुझे मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नल पॉइंट कहने का मतलब क्या है। नल पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड ड्यू टू वेक्टर सम ऑफ फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एंड अर्थ फील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन शुड बी जीरो, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन शुड बी जीरो। बस इतना ही है। अब इसमें जो दो कॉमन पूछते हैं, दो कॉमन ओरिएंटेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहले केस वन इज बार मैग्नेट, मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। इसमें नल पॉइंट कहाँ आएगा और कितना आएगा ये हमें जज सोचना है पहले। ओके, ये मान लेते हैं हमने बार मैग्नेट लिया है, दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, एंड ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ भी ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। देखो कंडीशन मैच कर रहा है क्या, कंडीशन मैच कर रही है। यस सर। कंडीशन मैंने क्या दिया, बार मैग्नेट विथ इस मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैच कर रहा है ना कंडीशन। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑलरेडी पता है किस डायरेक्शन में होती है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है ना। यस सर। तो ये जो ब्लैक कलर के एरोस से मैं दिखा रहा हूँ ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड है, दिस इज बी एच। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि इस बार मैग्नेट की वजह से जो फील्ड आनी चाहिए वो ऑपोजिट टू बी एच आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं है? बताओ, बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बीएच के ऑपोजिट आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करना है, जीरो करना है ना। यस सर। राइट, अब ये सोच के देखो कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपको फील्ड ऑफ बार मैग्नेट किधर चाहिए, टुवर्ड्स साउथ। यस यस सर। राइट, यही तो चाहिए ना, इसका मतलब ऑपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। यस सर। और मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट में बार मैग्नेट का फील्ड कहां पे होता है, बार मैग्नेट का फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट कहां पे होती है, सर इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशंस पाएगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशंस में कितने इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आपको नल पॉइंट मिलेगी, इनफाइनाइट सर। ऑल, ऑल मतलब क्या होता है सर, ऑन द, किसी ने इनफाइनाइट बोला, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को एक्सप्लेन करिए, इनफाइनाइट को एक्सप्लेन करिए सर। क्योंकि हम मतलब ऑब्जर्व कर सकते कि मतलब अगर इक्वेटर हम ड्रॉ करेंगे तो सभी डायरेक्शन में ही होगा नल पॉइंट जीरो। ये देखो, ये हमने इक्वेटर ड्रॉ किया है, इक्वेटर में, इस पूरे इक्वेटर में हर जगह
जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है वो कैसा है? ऐसा है? यस सर। है या नहीं है? सभी सोच के बताइए। है ना? यस सर। यस सर। और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे प्लेन में हर जगह किधर है? उल्टे तरफ है? ऑपोजिट। अगर एक जगह पे वो कैंसिल कर चुका है तो इजंट ऑफ सारे जगह पे कैंसिल कर चुका है? यस सर। यस सर। समझ आ रही है? तो नल पॉइंट कितने हुए, एक दो या इनफिनिट? इनफिनिट नंबर ऑफ नल पॉइंट्स आ जाएंगे। सो दे हियर देयर विल बी इनफिनिट नंबर ऑफ नल पॉइंट्स, हियर देयर विल बी इनफिनिट नंबर ऑफ नल पॉइंट्स एट इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, एंड अगर इसका डिस्टेंस पूछे कितने डिस्टेंस पे, तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लेते हैं ये मैग्नेट के साथ हमारा डिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक है, ये मैग्नेट के साथ जो डिस्टेंस है इक्वेटोरियल प्लेन का हमने जो चूज किया है वो डिस्टेंस आर है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इक्वल टू बी एच अगर इक्वेट करनी हो तो बी फील्ड ऑफ बार मैग्नेट क्या लिखेंगे, के इनटू एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू बी एच, यही यूज करेंगे ना? इक्वेटोरियल प्लेन में के एम बाय आर क्यूब यूज होता है, राइट, which is बस यहीं से आपको मिल जाएगा। तो r distance चाहिए तो ये मिल जाएगा, और number of null points पूछे तो infinite हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा case one है। अभी हम case two पे पहुंचते हैं। Case two is bar magnet placed with its magnetic moment pointing towards south, इस बार उल्टा। ये दो कॉमन पूछते हैं इसलिए मैंने इनको आपको टॉपिक में हेडिंग करके लिखा दिया है। इसे एक बार मैंने ड्रॉ कर लेते हैं। इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब अर्थ की फील तो नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगी, ये अर्थ की फील है, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। अब इसको कैंसिल करने के लिए आपको फील्ड जो चाहिए साउथ की तरफ चाहिए ना? चाहिए साउथ की तरफ? यस सर। Yes, sir. और मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है? साउथ की तरफ है? Yes, sir. मैग्नेटिक मोमेंट अगर साउथ की तरफ है और साउथ की तरफ ही आपको फील्ड चाहिए बार मैग्नेट का, तो isn't it obvious कि आपको नल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक्सियल पोजीशंस पे मिलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. और एक्सियल पोजीशन में कितने एक्सियल पोजीशंस आपको मिलेंगे? अगर एक ऊपर मिलेगा तो एक नीचे भी तो मिलेगा ना? Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पे इस बार कितने नल पॉइंट मिलेंगे आपको? दो नल पॉइंट मिलेंगे। और अगर एक ऊपर मिल रहा है बार मैग्नेट के ऊपर मिल रहा है तो एक बार मैग्नेट के नीचे भी मिलेगा यहाँ पे। तो ये वाले डिस्टेंस को अगर इधर से आर दिखा रहे हैं हम, तो सेम डिस्टेंस आर पे अगर आप इधर भी जाओगे तो भी आपको वही नल पॉइंट मिलना है। तो ये डिस्टेंस को आर दिखा दे इधर भी, सो यहाँ पे टू नल पॉइंट होंगे। इसमें बार मैग्नेट की फील्ड को आप दिखाओगे तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में दिखाएंगे आप, दिस इज फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एंड बी एच, तो आपको पता है ये आपका ऊपर की तरफ है, ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे। ठीक है, सो देयर विल बी टू नल पॉइंट्स हियर, देयर विल बी टू नल पॉइंट्स एट एक्चुअल पोजीशंस हियर, एक्चुअल पोजीशंस हियर सच दैट B of bar magnet will be equal to BH and therefore 2KM divided by R cube has to be equal to BH. Clear? Yes, sir. Okay.
एक और केस करा देते हैं आपको, ये पॉपुलर ज्यादा नहीं है बट आप अगर बुक्स सॉल्व करते हैं, जीआरपी वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये. केस थ्री इज बार मैग्नेट विथ मैग्नेटिक मोमेंट वर्टिकल, मतलब जैसे टेबल के सरफेस पे आपने परपेंडिकुलरली रख दिया ऐसा. पहला जो दो केस मैंने किया है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो हॉरिजॉन्टल ही था, दिख रहा है आपको? ये वाला केस में भी मैग्नेटिक मोमेंट हॉरिजॉन्टल है, इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट हॉरिजॉन्टल है, बट अब जो करने वाले हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट को हम वर्टिकल रखने वाले हैं. मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो है, जैसे आप ऐसा एक टेबल इमेजिन करो, ऐसा टेबल है एंड इस टेबल के सरफेस पे आपने बार मैग्नेट पे ऐसे खड़ा कर रखा है. समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर. यस सर. ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो आपको दिया हुआ होगा, इस सिनेरियो में आपको नल पॉइंट को फाइंड आउट करना है. अब इसमें किसी एक डायरेक्शन में तो अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, उसके लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखा देते हैं. ये मान लेते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट है. ठीक है, एक बार इसका हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं, मतलब सामने से देखने पे ये कैसा दिखेगा एक बार ये देखते देखते. इसको फ्रंट व्यू कह लेते हैं, तो फ्रंट व्यू जो ड्रॉ करने वाला है. फ्रंट व्यू में देखें तो ये है टेबल का सरफेस, दिस इज टेबल सरफेस. इस टेबल सरफेस पे हमने बार मैग्नेट को ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है. यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है. ठीक है, और अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है वो किस तरफ है? इस डायरेक्शन में है ना, है ही नहीं है? यस सर. यस सर. अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है वो आपकी इस तरफ है. दिस इज द डायरेक्शन इन विच अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड एग्जिस्ट. अब एक चीज सोच के देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड को मुझे कैंसिल करना है, ठीक है, कैंसिल करना है, तो क्या इसके राइट में हो सकता है या लेफ्ट में हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं. जैसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट राइट में टेबल के सरफेस पे राइट में चूज कर लेते हैं. यहाँ पे मान लो एक आर्बिट्री पॉइंट मैंने चूज कर लिया यहाँ पे. इस आर्बिट्री पोजीशन में नॉर्थ पोल पास है या साउथ पोल पास है? कौन पास में है? नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल. तो किसका फील स्ट्रॉन्गर होगा, नॉर्थ पोल का या साउथ पोल का? नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल. तो बी ड्यू टू एन इधर दिखाया एंड बी ड्यू टू साउथ इधर दिखाया. साउथ पोल का फील्ड वीकर है इसलिए मैं इसको छोटे एरो से मार्क कर रहा हूँ. तो देखो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम कंपोनेंट लेंगे तो साउथ पोल का और भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा. तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा बी एस कॉस थीटा. तो अगर आप देखोगे तो बी एन ऑलरेडी बी एस कॉस थीटा से बड़ा है या नहीं है? यस सर. बी एन इज ग्रेटर देन बी एस कॉस थीटा. तो क्या यहाँ पे नेट फील्ड कभी जीरो हो सकता है क्या? नो सर. नहीं, क्योंकि बी एन माइनस बी एस कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी एच, दिख रही है आपको? यस सर. देयरफॉर नल पॉइंट पॉसिबल नहीं है. नल पॉइंट नॉट पॉसिबल इन द राइट हाफ. नॉट पॉसिबल इन राइट हाफ. दाएं तरफ नहीं हो सकती है. अब लेफ्ट की तरफ आते हैं. नाउ वी कम टू लेफ्ट. अभी भी नॉर्थ पोल ही क्लोजर है, अभी भी नॉर्थ पोल क्लोजर है. बट एक और अच्छी चीज है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे तो इस बार नॉर्थ पोल का जो फील्ड है वो ऑपोजिट टू बी एच है, दिख रही है आपको? यस. डू यू सी दैट? ये देखो, ये है बी ड्यू टू नॉर्थ पोल. साउथ पोल का फील्ड वीकर है अभी भी, सो दिस इज बी ड्यू टू साउथ पोल. एंड ये एंगल को अगर थीटा दिखाएं तो इधर हो गई बी साउथ कॉस थीटा. ठीक है, अब ये सोच के देखो, इसके लिए इफेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो इस डायरेक्शन में फील्ड कितनी एग्जिस्ट करती है? लेफ्ट की तरफ बी एन माइनस ऑफ बी एस कॉस थीटा.
कह सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. और अगर सोच के देखो ये BH के साथ एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया, तो क्या ये दोनों कैंसिल नहीं कर जाएंगे? Yes, करेंगे नहीं करेंगे? सो यहाँ पे तो नल पॉइंट का पॉसिबिलिटी है ना yes, sir. तो देखो yes, sir. देखो पॉसिबिलिटी ऑफ अ नल पॉइंट है, पॉसिबिलिटी ऑफ अ नल पॉइंट, और ये पॉसिबिलिटी कब अराइज करेगा? इफ बी एन माइनस ऑफ बी एस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बी एच से मैच करते हैं. गॉट इट? सो देयरफॉर ओनली वन नल पॉइंट मिलेगा, ओनली वन नल पॉइंट. समझ आई सभी को? यस सर. यस सर. यस सर. ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर. ओके, ये जो सेटअप दिख रहा है ये आपका ऑसिलेशन या वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जो भी आप बोले उनके उसका सेटअप दिख रहा है. इस सेटअप में एक ग्लास का बॉक्स है, बेसिकली ग्लास का बॉक्स है, मतलब आप बाहर से देख सकते हैं. जैसे आपको दिख रहा होगा कि एक बार मैग्नेट लटका हुआ है, दिख रही है आपको बार मैग्नेट लटकी हुई? यस सर. ठीक है, तो वो आपको दिख रहा है बेसिकली. एक ग्लास का बॉक्स है, दिस इज अ ग्लास बॉक्स. ठीक है, मतलब आपको बाहर से देखने के लिए कि बार मैग्नेट कैसा दिख रहा है या ऑसिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो देखने के लिए. फिर यहाँ पे ये जो टॉर्शन हेड में ऊपर में एक नॉब जैसा दिख रहा है, उस नॉब से हमने एक पतला सा थ्रेड जैसा जो लटका रखा है यहाँ पे, ये जो लटकी हुई है, दिस इज हॉर्सेस हेयर. ये हॉर्स का हेयर है. हॉर्स के हेयर में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें टॉर्शन नहीं होती है, टॉर्शन नहीं होती है, टॉर्शन इफेक्ट नहीं होती है. It is torsionless. Torsionless होने से एडवांटेज क्या होगा कि अगर आप उसको ट्विस्ट करते हो तो वो अनट्विस्ट करने का कोशिश नहीं करता अपने आप को, मतलब रीस्टोरिंग इफेक्ट नहीं होगा उसमें. बाकी कोई भी चीज को अगर आप एक छोटा सा पतला सा रस्सी भी लोगे या थ्रेड भी लोगे और उसको अगर आप ट्विस्ट करोगे तो वो अपने आप को अनट्विस्ट करके वापस से लाता है या नहीं लाता? Yes. आता नहीं जाता. बट हॉर्स के हेयर में वो चीज आपको नहीं दिखेगी. वो हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये बार मैग्नेट को जब मैं ऑसिलेट कराऊंगा, ये बार मैग्नेट को जब मैं ऑसिलेट कराऊंगा किसी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आए, ना कि हॉर्स के टॉर्शन इफेक्ट की वजह से भी आए. तो इसी मतलब जो सस्पेंशन पॉइंट है वो अगर आप वहां से अगर आप हॉर्स के हेयर के अलावा अगर कोई भी थ्रेड यूज करते तो उससे एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा मतलब करेक्ट रिजल्ट आपको नहीं देता, क्योंकि उस थ्रेड का भी खुद का एक रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाता है ट्विस्ट करने पर. समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है? Yes, yes, sir. तो नॉर्मली अगर आप इसको देखोगे तो बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में यू नो सस्पेंडेड है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये अगर डिफ्लेक्टेड दिख रही है आपको तो पक्का है कि इसी डायरेक्शन में अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड भी रही होगी. होगी नहीं होगी? Yes, sir. क्योंकि अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड जिस डायरेक्शन में है, नीडल अपने आप को उसी डायरेक्शन में तो पॉइंट करता है, तो ये बार मैग्नेट भी अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन करके रख लेगा. अब अगर इसने अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लिया तो इस बार मैग्नेट को तो हम आराम से ऑसिलेट करा सकते हैं ना. अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे छोड़ दूं तो उसके इसमें क्या करेगा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाएगा. और ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड भी हम आराम से मेजर कर सकते हैं कि एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट किया, मतलब जैसे एक मिनट देख लिया, एक मिनट में टाइमर ऑन किया और उसके बीच में काउंट कर लिया कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वहां से आराम से मेजर कर सकते हैं. कर सकते हैं ना? यस सर. ठीक है, तो इस सेटअप का काम क्या है? पहले तो ये सेटअप एक्सप्लेन किया आपको, ये सेटअप ऐसा ही दिख रहा है. तो इस सेटअप को हम दो चीजों में यूज करते हैं. एक है कि किसी भी एक्सटर्नल कोई भी एक एक्सटर्नल बार मैग्नेट दे दे, मतलब कोई भी बाहर से अगर कोई मुझे एक बार मैग्नेट दे दे, दो बार मैग्नेट मान लो दे दिया,
और उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करने के लिए बोला है। तो दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करने के लिए आप इस सेटअप को यूज कर सकते हैं, एक काम ये है। और दूसरा है कि दोनों बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करने के लिए भी आप इनको यूज कर सकते हैं। सो देयर आर टू यूसेज ऑफ दिस वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, तो वो मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे। दिस सेटअप कैसे करते हैं वो एक एक करके बताऊंगा। दिस सेटअप इज यूज्ड टू कंपेयर पहला टू मैग्नेटिक फील्ड्स produced by two independent sources and dusra compare the magnetic moment of two magnets. ये वाला हमारे लिए ज्यादा important है। फर्स्ट वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ क्योंकि कम से कम ध्यान रहेगा कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहले कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे फिर से डायग्राम लेता हूं मैं। इसमें ये बार मैग्नेट जो है ये ऑलरेडी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में तो है, इस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस केस में इसकी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर हम मेजर करें तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट अंडर आई बाय एम इनटू बीएच, ये यूज करेंगे ना, करेंगे ठीक है। अब हमने क्या किया, मतलब ये है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो हमको जिनको कंपेयर करना था उनको हमने नहीं अप्लाई किया। दिस इज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये उसके लिए है। बट अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे अपने जो मैग्नेट्स थे या फिर कोई भी जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उनको भी यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन पे। जो सस्पेंडेड बार मैग्नेट है उसके एक्चुअल पोजीशन पे यहाँ पे उनको रख दिया है। तो अब ये सोच के देखो, ये जो नॉर्थ साउथ हमने दिखा रखा है, इस बार मैग्नेट की वजह से अब खुद का भी एक तो फील्ड क्रिएट होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। तो अगर इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है तो यहाँ पे जो नेट फील्ड है ये बार मैग्नेट की वजह से भी आ गई, तो नेट फील्ड यहाँ पे अब आपको क्या दिखेगा, बीएच दिखेगा या बीएच प्लस बार मैग्नेट का फील्ड दिखेगा? BH plus B, bar magnet. Bar magnet का field. तो time period के expression में तो आपको net field लेना पड़ेगा। तो BH की जगह आप वहीं पे, वहाँ पे आपको 2 pi root under I by M into BH plus the field of bar magnet use करना पड़ेगा। तो दो अलग अलग केसेस हैं। मान लो कि क्योंकि comparison तो आप दो अलग अलग magnetic field का कर रहे हैं, तो एक बार आप first magnet को रखो और उसके लिए time period calculate कर लो, फिर इसको हटाओ और दूसरे bar magnet को रखो और उसका फिर से you know time period of oscillation calculate करो। तो in presence of फर्स्ट बार मैग्नेट टाइम पीरियड को हम ऐसे लिख रहे हैं, टाइम पीरियड विल बी T1 लिख लेते हैं, 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइडेड बाय एम इनटू बीएच तो है ही प्लस B1 कर लिया, B1 इज द फील्ड ऑफ द फर्स्ट बार मैग्नेट। एंड सिमिलरली इन प्रेजेंस ऑफ सेकंड बार मैग्नेट कर लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंड बार मैग्नेट, अब T2 अगर निकाले तो ये होगा 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम इंटू बी एच प्लस B2 हो जाएगी, ये हो गई आपकी थर्ड रिलेशन। अब ये रिलेशन मिल चुका है, अब आपको सोचो आपको T1 T2 ये एक्सपेरिमेंटली आपने ऑलरेडी स्टॉप वॉच लेके कैलकुलेट कर लिया है, आपको BH पता नहीं है, BH is not known to you, ठीक है, BH की वैल्यू आपको नहीं पता है, आपको B1 B2 का रेशियो निकालना है। तो B1 B2 का रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, डिवाइड करके स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करेंगे एक बार, इन दोनों को डिवाइड करके अगर स्क्वायर करेंगे चेक करो,
मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, what I'm doing is, मैं first equation को equation number one equation one को मैंने divided by equation two कर दिया है एंड फिर इसको square कर दिया है, ठीक है, इसको square किया, इससे क्या मिलेगा मुझे BH इधर, so one plus B1 by BH मिल जाएगा and that will be T by T1 and इसका square आ जाएगा. देखो तो चेक करो एक बार, आ रही है क्या, चेक करो. Similarly, first equation को अगर third equation से divide किया जाए and फिर square कर दिया जाए, इससे मिलेगा हमें 1 plus B2 by BH and that will be T by T2. ठीक है, अब देखो ये दोनों रिलेशन से अब आप आराम से B1 B2 का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. देखो B1 और B2 का रेशियो चाहिए, तो B1 का और B2 का रेशियो हो गया T by T1 का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय T by T2 का स्क्वायर माइनस वन. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज F1 by F का स्क्वायर, मतलब फ्रीक्वेंसी है ये, माइनस वन divided by F2 by F ka square minus 1, which can be also be written as F1 ka square minus F square divided by F2 ka square minus F square. समझ आई? Yes sir. ठीक है, तो calculation कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाया कि आपको frequency of oscillation first case का, second case का, third case का, ये तीनों case का दे दिया और यहाँ से आप B1 B2 आप आराम से इस relation को use करके find out कर सकते हैं. Got it? Yes sir. Yes, sir. अब आते हैं comparison of magnetic moment पे. Comparison of magnetic moment. Magnetic moment को compare करना है. Magnetic moment को compare करने के दो तरीके हैं. Two methods हैं यहाँ पे. पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा है सम एंड डिफरेंस मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हो, आपको जो बार मैग्नेट यहां पे यूज करना है, मतलब मैग्नेटोमीटर के अंदर, मैग्नेटोमीटर के अंदर वहां पे ही आप क्या करते हो, उन मैग्नेट को डाल देते हो जिनका मैग्नेटिक मोमेंट को आपको कंपेयर करना है. मतलब यहाँ पे आपको दोनों ही जगहों पे आपको बार मैग्नेट जिनका मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करना है उनको आप हॉर्स के हेयर से सस्पेंड कर दोगे. सो हियर वी सस्पेंड द बार मैग्नेट्स टू बी whose magnetic moments we compare. Here the heavy suspend the bar magnets whose magnetic moment is to be compared inside the magnetometer. Magnetometer उसके अंदर ही डाल देंगे. तो उसके अंदर अगर आपने डाला तो एक एक करके डालेंगे, obviously turn wise डालेंगे, एक पहले first के लिए, for फर्स्ट मैग्नेट अगर करें, और फर्स्ट मैग्नेट किया तो ऑब्वियसली अब टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन जब T1 यूज करोगे तो आएगा 2 पाई रूट अंडर I1 डिवाइडेड बाय M1 इनटू BH. BH की वजह से तो ऑसिलेट कर रहा है तो एक्सप्रेशन यूज करेंगे. अब सेकंड के लिए यूज करोगे, फॉर सेकंड मैग्नेट अगर यूज करोगे, अब आपने सेकंड वाले को ऑसिलेट कराने के लिए छोड़ा है तो इसके लिए यूज करोगे तो T2 की वैल्यू लिखोगे तो 2 पाई रूट अंडर I2 डिवाइडेड बाय M2 into BH लिखोगे. अब अगर T1 T2 आपको पता चल चुका है, दोनों को डिवाइड कर दो तो T1 by T2 that will be root under I1 by I2 into M2 by M1, ये तो आएगा ना, और आपको M1 M2 का रेशियो चाहिए था, so M1 by M2 that becomes I1 by I2 into T2 by T1 एन एस का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसी को आप लिख सकते हो आई वन बाई आई टू
and that multiplied with F1 by F2 frequency इसका स्क्वायर हो जाएगा. Got it? समझ आई आपको? Yes sir. ठीक है. इसमें बट आपको बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो आप नहीं निकाल सकते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको चाहिए होगा, इसलिए ये वाला मेथड इतना सुपीरियर नहीं माना जाता क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ रही है. बट सेकंड जो मेथड आपको दिखाने वाला हूं उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहां पे आप दोनों बार मैग्नेट्स को एक साथ यूज करते हैं. हियर टू मैग्नेट्स विल बी यूज्ड साइमल्टेनियसली, बट एक बार आप उनको ऐसा कनेक्ट करके रखोगे, मतलब उनको बांध दोगे आपस में सच की, एक बार उनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है और दूसरी बार उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है. Here we use both the bar magnets tied together and suspended inside the magnetometer with ones their magnetic moment parallel and the other time anti-parallel. So therefore when parallel, मतलब ऐसा कुछ scenario होगा. South, north. ये कुछ ऐसा सिनेरियो है. तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट अगर नेट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? M1 plus M2 आ जाएगा ना? आएगा? Yes. आएगा? तो इसके लिए टाइम पीरियड अगर यूज करोगे T1 तो क्या लिखेंगे? 2π√under I की जगह आप I1 plus I2, क्योंकि दोनों एक साथ बंधे हुए हैं तो I1 plus I2 divided by M की जगह M1 plus M2 and into BH लिख लेंगे. ठीक है? बट जब एंटी पैरेलल होंगे दोनों, when anti-parallel, अब उस केस में पोलैरिटी रिवर्स होगी किसी एक की. ये मान लेते हमने नॉर्थ एंड साउथ कर दिया, तो अब जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट वो किसी एक डायरेक्शन में ही आना है. सो M1 माइनस M2 लिख लिया. तो अब अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है तो इस केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर T2 निकालोगे दैट विल बी 2π√under I1 plus I2, ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड ही होएगा, एंड यहां पे आपका M1 minus M2 हो जाएगा एंड into BH कर लेंगे. ठीक है? अब इन दोनों को वापस से डिवाइड कर लो आप, सो देयरफॉर T1 by T2 का स्क्वायर कर लो आप. तो इसको स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा M1 minus M2 एंड डिवाइडेड बाय M1 plus M2 मिल जाएगा. इसको आप लिख सकते हो, दिस इज F2 by F1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो. सो देयरफॉर M1 plus M2 डिवाइडेड बाय M1 minus M2. इसको भी आप लिख सकते हो, दिस इज F1 by F2 का स्क्वायर. अब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लो, तो A plus B by A minus B मतलब 2M1 by 2M2 मतलब M1 by M2 ये आपको तुरंत मिल गई है. सो दिस इज F1 square plus F2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय F1 का स्क्वायर माइनस ऑफ F2 का स्क्वायर. ये वाला फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मतलब ये वाला काफी पॉपुलर सा है, तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखेंगे तो टाइम थोड़ा बचेगा. मैंने मेथड तो आपको सारा बता दिया है बट ये वाला पार्ट आपको ज्यादा दिखेगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वाला ज्यादा दिखेगा. समझ आ गई सभी को? यस सर. यस सर. क्लियर है सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, टेंजेंट लॉ. टेंजेंट लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस से आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस मतलब जैसे एक बार मैग्नेट है, कॉइल है, या दो बार मैग्नेट है या दो कॉइल है,
सो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस से आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है एंड ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो इस तरह के केस में अगर आप यहाँ पे किसी भी एक मैग्नेटिक नीडल को रखते हो, किसी भी एक मैग्नेटिक नीडल को रखते हो, तो वो अपने आप को ऐसे डायरेक्शन में अलाइन करता है सच कि आप एंगल अगर किसी एक के साथ मेजर करते हो तो उसका अगर आप टेंजेंट ले लेते हो तो वो टेंजेंट आपको रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देता है. बोलने पे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या बोल रहा है पता नहीं, बट जब मैं ये मैथमेटिकली दिखाऊंगा तो आप देखना कि कितना सिंपल सा चीज है. पहले मैं लिख लेता हूँ कि ये लॉ क्या कहता है. इफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर then if a needle is placed here then it aligns itself such that the tangent of the angle made by needle with one of the field gives us the direction, gives us the ratio of the two fields. ये स्टेटमेंट है. अब इसको मैं आप जस्ट यू नो करके दिखाता हूँ, फिर आपको काफी इजीली समझ आ जाएगा. देखो मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये B1 है, ये किसी एक सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, लेट अस से यहाँ पे B2 है, ये किसी दूसरे सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है. सो दीज आर टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं इस जगह पे कितना एग्जिस्ट करेगा, तो वो इनके वेक्टर सम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इनका वेक्टर सम है, ठीक है. सो दिस इज डी नेट विच इज बेसिकली वेक्टर सम ऑफ B1 एंड B2. अब सोच के देखो अगर आप यहां पे कोई एक नीडल को रखते हो तो वो अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा बी नेट के डायरेक्शन में. तो नेट फील्ड आपको जिस भी डायरेक्शन में मिल रहा है उसी डायरेक्शन में तो उसको टॉर्क जीरो मिलेगा, तो वो नीडल अपने आपको क्या करेगा, ऐसे डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा. सो दिस अलाइंस इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड. तो ये नेट फील्ड के डायरेक्शन में अगर अलाइन हो चुका है तो इधर से मान लो तो B1 की तरफ से मैंने ये एंगल को थीटा मेजर किया, ठीक है, नीडल का इंक्लिनेशन थीटा इधर से मेजर कर लिया. अब सोच के देखो अगर आप टैन ऑफ थीटा अगर मेजर करोगे, टैन थीटा, इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपको, yes, sir. ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर टैन डेल्टा की वैल्यू अगर फाइंड की जाए, टैन थीटा की वैल्यू फाइंड की जाए तो कितनी आएगी, B2/V1. दैट्स इट. तो टेंजेंट लॉ यही कहता है, समझ आई आपको, यस सर, ठीक है. तो इसमें यू नो ये तो जस्ट वेक्टर, ये तो बेसिकली जस्ट वेक्टर का रिजल्टेंट का ही कंसेप्ट है, और कुछ है नहीं. देखो यहाँ पे उसी को उसने टेंजेंट लॉ बना दिया है, समझ आ रही है आपको, यस सर, ठीक है. जस्ट सेकंड, एक मिनट रुकिए. इसके एप्लीकेशन में अगर हम बात करते हैं तो इसके एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट लॉ में दो एप्लीकेशन पढ़नी है आपको, एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट लॉ दो एप्लीकेशन है. पहला काफी इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. ये काफी इंपॉर्टेंट है. एंड दूसरा डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. ये दो है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है. अब एक एक करके दोनों को कवर अप करते हैं.
पहला हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर लेते हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, नाम से तो आपको समझ में आना चाहिए गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट को मेजर करना। यस सर। और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि टेंजेंट लॉ यूज करके आप करंट मेजर कर रहे हैं। टेंजेंट लॉ कब यूज करते हैं? जब जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको फील्ड चाहिए। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखो एक एडवांटेज ये है कि अर्थ के हर एक लोकेशन पे एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से है ही नहीं है। अर्थ के हर एक लोकेशन पे एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? यस सर। कौन है वो? अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड तो है ही, बीएच तो है ही। किसी भी लोकेशन पे आप चले जाओ आपको बीएच तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये फील्ड को हमारे पास, हमें पता है अगर ये अवेलेबल है। दूसरा, अगर हम गैल्वेनोमीटर के कॉइल में करंट पास कराते हैं, गैल्वेनोमीटर के कॉइल में अगर हमने करंट पास कराया, तो ये कॉइल का खुद का भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा या नहीं? यस सर। तो अब अगर ये वाली फील्ड, मतलब कॉइल की फील्ड, अगर अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई, तो उसके बीच में अगर एक नीडल को रख दिया जाए, तो वो नीडल एक डिफ्लेक्शन शो करके टेंजेंट लॉ के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं ना? यस सर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सो यहां पे हमें क्या करना है? इट इज यूज्ड obviously to measure current using tangent law. Here one of the field is earth's horizontal component and the other is the field of the coil of the magnet. Field of the coil of the magnet. And the other is the field of the coil of the field of the coil of the galvanometer. ठीक है? अब tangent law use करने के लिए सबसे important चीज क्या है? कि दोनों field perpendicular होना चाहिए ना? Yes, sir. Right. तो ये इम्पोर्टेंट है कि बी एच वेक्टर अगर हम बोले हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बी ऑफ कॉइल, ये होना चाहिए ना? Yes, sir. Right. ये मैंडेटरी है, दिस इज मैंडेटरी कंडीशन। ठीक है, मैंडेटरी होना ही चाहिए। मतलब अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप टेंजेंट लॉ यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तब आपका रीडिंग कभी भी ठीक नहीं आएगा, सब उल्टा पुल्टा रीडिंग आएगा। तो बी एच को आपको बी कॉइल से परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। इसका एक बार मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ, सेटअप कैसा दिखता है इसका। यस, ये देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये टॉप व्यू है बेसिकली उस सेटअप का, आपको दिख रही है एक स्टील के जैसा एक फ्रेम दिख रहा होगा। ये स्टील के जैसा जो फ्रेम दिख रहा है ना, इसके अंदर ही बेसिकली हमारे गैल्वेनोमीटर का कॉइल है। दिस हैज कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर अगर इस तरफ है तो इसका खुद का एक फील्ड तो होगा ही होगा, ऐसा कुछ होगा ना? होगा। मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है, इसमें करंट हमने ऐसा दिखा रखा है। ठीक है? यस सर। ये सोचो कि इसमें करंट ऐसे सर्कुलेट कर रही है क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आप ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बोलते हैं हमेशा बेटा। जैसे अगर आपको कोई बोले पंखा किधर घूम रहा है, तो आप नीचे से देखोगे तो बोलेंगे क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट ऊपर से देखोगे तो बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बोलोगे नहीं? यस सर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब भी बोलते हो तो हमेशा ऑब्जर्वर स्पेसिफिक होती है। तो मैंने ऑब्जर्वर जब बताया ही नहीं कहा है, तो फिर आप कैसे बोलोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? समझ आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, हाँ, इस केस में आप अपने राइट हैंड, यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है, ये करंट है। ठीक है, ये करंट है। तो करंट का खुद का एक फील्ड आया है, उसको मैंने ब्लू कलर के एरो से मैंने मार्क कर रखा है। ब्लू कलर के एरो से नहीं करते, यहाँ पे ब्लैक कलर, ये रेड से ही दिखाते हैं। सो ये जो दिखा रखा है ये बी ऑफ कॉइल है। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अब अगर ये बी ऑफ कॉइल है तो हॉरिजॉन्टल फील्ड आपको किस डायरेक्शन में चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए? कॉइल के प्लेन में चाहिए? नहीं, कॉइल के प्लेन में चाहिए।
है नहीं है, कॉइल के प्लेन में चाहिए ना. यस सर. तो हमें जो बीएच चाहिए वो बेसिकली ऐसा चाहिए. ये देखो ऐसा, दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बीएच. तो देखो ये बीएच और बी कॉइल परपेंडिकुलर हो गए ना. यस सर. दिख रही है? और यहाँ पे देखो आपको बीच में दिखेगा एक पतला सा नीडल है. देखो नीडल दिख रही है आपको बीच में पतली सी? यस सर. आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत हल्का है वो, एक्चुअली इमेज बहुत पतला सा है. यहाँ पे एक नीडल है, ये नीडल है. ये देखो ये नीडल है. समझ आ रही है आपको? यस सर. ठीक है. यस सर. तो ये देखो ये नीडल जो है ये मैग्नेटिक नीडल है. तो ये मैग्नेटिक नीडल क्यों कह रहा हूं, मतलब बार मैग्नेट की तरह ही इसको सोचना है. ठीक है. तो ये देखो ये बीएच के साथ देखो एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है. देखो थीटा दिख रही है आपको? यस सर. डू यू सी दैट? डू यू सी दैट? यस सर. यस सर. तो टेंजेंट लॉ अगर यूज करें, अगर टेंजेंट लॉ यूज करें तो यहाँ पे टेंजेंट लॉ देखो हमारे हमारा क्या था. एक चीज यहाँ पे एक बार देख लो, मैं उसको डायरेक्टली यूज किया करूंगा. टेन डेल्टा बी टू बाई बी वन है, तो डायरेक्टली क्या हम b2 की वैल्यू को b1 into tan delta लिख सकते हैं, tan theta लिख सकते हैं? Yes sir. मतलब जिधर से आप एंगल मेजर कर रहे हो थीटा, वो किसके तरफ से? b1 के तरफ से है ना? b1. तो जिधर से आप एंगल मेजर कर रहे हो उसी का tan theta लेना है, तो दूसरा वाला फील्ड मिल जाएगा. समझ आई? जिधर से एंगल मेजर किया वो b1 की तरफ है, तो b1 का ही tan theta लोगे तो आपको b2 मिल जाएगा. तो यहाँ पे देखो हमने एंगल किधर से मेजर किया है, bh की तरफ से. BH. तो BH का tan theta लेंगे तो BF coil मिल जाएगा ना? Yes sir. तो BF coil has to be equal to BH tan theta. समझ आई? Yes sir. अब magnetic field coil का कितना होगा? एक turn होगा, अगर एक single turn होगा तो mu not I by 2 R. और अगर multiple turns है, n number of turns है, तो क्या लिखेंगे? N times of mu not I by 2 R. Yes. समझ आ रही है आपको? Yes sir. तो इस केस में magnetic field of coil क्या हो गई है? N times of mu not I divided by 2R आ जाएगा, and that has to be equal to BH tan theta. तो यहाँ पे अगर आप करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी. So this is 2BH into R divided by 2BH into R divided by N mu not, and that multiplied with tan theta. दिख रही है आपको? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है, ब्रैकेट के अंदर का टर्म है इसमें आप लिख देते हैं एक बार कौन सी चीज है. बीएच तो नहीं लिखने की जरूरत नहीं, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉइल है, रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा. रेजिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर है, एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. तो अब ये देखो कि वो जो ब्रैकेट का जो टर्म है, वो ब्रैकेट का टर्म तो कॉन्स्टेंट हो गया ना, वो तो करंट पे डिपेंडेंट नहीं है, है ना? ठीक है. हाँ, बट ये जरूर है कि ब्रैकेट वाला जो टर्म है उसको अगर मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता हूँ, सो देयरफॉर मैं करंट की वैल्यू को लिख रहा हूँ, दिस इज ए कांस्टेंट के इनटू टैन थीटा. और यहाँ पे के जो है वे के, इस वैल्यू को याद रखना है, वेर के इज ट्वाइस ऑफ बी एच इंटू आर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एन आएगा. इसको रिडक्शन फैक्टर कहते हैं, इसको याद रखना है आपको, इसकी वैल्यू पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, यू सपोज टू रिमेम्बर दिस. ठीक है. अब ये रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू से एक चीज तो पक्का है, कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन के लिए होगा. क्यों? क्योंकि ये बीएच को इन्वॉल्व करता है. और अगर मैं अर्थ में एक जगह से दूसरे जगह चले जाऊं इसी सेटअप को लेके, मतलब यही मैग्नेटोमीटर, मतलब यही जो अपना यू नो टैंजेंट गैल्वेनोमीटर है, इस टैंजेंट गैल्वेनोमीटर को उठाओ और एक जगह से दूसरे जगह चले जाओ, और दूसरे जगह जाओगे तो ऑब्वियसली बीएच चेंज हो चुका होगा. होगा? यस सर. और अगर बीएच चेंज हो गया तो ये रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू भी तो चेंज हो गई ना, हुई नहीं? हुई. तो ये रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू डेफिनेटली कॉन्स्टेंट है, बट कॉन्स्टेंट एट अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन है. अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा. हाँ, बट मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन पे ही हम मेजर कर रहे हैं, जैसे एक ही लैब में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारा वर्क प्लेस जो है फिक्स्ड है, वो एक ही लैब में हमें काम करना है, तो उस लैब के लिए बी एच फिक्स्ड है, तो के की वैल्यू भी फिक्स्ड हो गई. तो अब थीटा को अगर मान लो कि इस कॉइल में करंट पास कर रही है, तो करंट पास करने से एक डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, और वो डिफ्लेक्शन अगर थीटा पता है
तो i की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं ना k tan थीटा करके, निकाल सकते हैं? Yes, sir. तो यहाँ पे जो k की i की वैल्यू आएगी वो थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं आ रही है, tan थीटा के प्रोपोर्शनल आ रही है, अनलाइक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. आपको याद है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट जो आ रही थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रही थी, याद है आपको? Yes, sir. ठीक है, बट यहाँ पे करंट प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं आ रही है. ये एक डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज मतलब कि इन दोनों के बीच में एंगल और करंट के बीच में एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है. एंगल और करंट के बीच में एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है. करंट इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा ओवर हियर. देयरफॉर रिलेशन बिटवीन करंट एंड डिफ्लेक्शन इज नॉन लीनियर. अब ये डिसएडवांटेज क्यों है उसके बारे में बात करें. जैसे ऐसे सोचो tan थीटा का अगर आप ग्राफ याद करोगे एक बार, यहाँ थीटा ले रहे हैं, यहाँ पे करंट ले रहे हैं, एंड ये मान लो पाई बाई टू का लाइन है. दिस इज पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, जीरो पे जीरो, एंड फिर 90 डिग्री की तरफ जाओगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा. ऐसे ही कुछ है ना? यस सर. यस सर. अभी देखो कि अगर मैं मान लेते हैं कि कोई भी एक करंट मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक करंट है और उस करंट में मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, ठीक है, तो उसमें एक सर्टन डिफ्लेक्शन मुझे मिलेगी. सॉरी, अब इमेजिन करो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सेम करंट का चेंज कर रहा हूँ, हायर वैल्यू ऑफ करंट पे सेम चेंज करेंगे. अगर आप नोटिस करोगे तो सेम चेंज ऑफ करंट के लिए देखो डिफ्लेक्शन काफी कम आ रही है, दिख रही है? Yes, sir. दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डिविजन्स होगा, डिविजन्स मतलब जो स्केल का डिविजन होता है, मतलब मीटर का जो रीडिंग का जो लेते हैं आप, जो जहां पे स्केल का बना होता है, वो स्केल नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना? Yes, sir. मतलब डिविजन्स उसमें सामने की तरफ जितने डिविजन दिखने हैं और बाद की तरफ जो डिविजन दिखेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म दिखेंगे. नॉन लीनियर कहने का मतलब है जो जो डिविजन होंगे वो नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस होंगे. डिविजन इन स्केल विल बी नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है. अब इसमें अगर मान लो कि आपको कोई अगर पूछे कि नो कि करंट सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है, करंट सेंसिटिविटी, तो जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए फाइंड करते थे उसको सिंपली थीटा बाय आई लिख लेते थे, याद है आपको? यस सर. बट यहाँ पे जब हम करंट सेंसिटिविटी फाइंड करेंगे तो थीटा बाय आई नहीं लिखेंगे, वहां पे डी थीटा बाय डी आई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है वो करंट पे भी डिपेंडेंट है, मतलब कितना करंट आप मेजर कर रहे हो उस पर भी डिपेंडेंट है. तो वहां पे आप मान लो कि कोई भी एक करंट आई मेजर कर रहे हो, वहां पे डिफ्लेक्शन आपको थीटा का मिला, अब आपने वहां पे क्या किया, डी आई का चेंज किया, तो थीटा भी डी थीटा पे चेंज हो जाएगा. तो डी थीटा बाई डी आई जब आप चेंज कैलकुलेट करोगे, इस क्वांटिटी को हम वहां पे सेंसिटिविटी बोलेंगे. मतलब अगर छोटा चेंज ऑफ करंट के लिए अगर बड़ा डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है तो फिर इसका मतलब है कि बेसिकली सेंसिटिविटी ज्यादा है. और अगर अगर आप यू नो ज्यादा बड़ा चेंज करते हो करंट का और उसमें भी आपको छोटा डिफ्लेक्शन मिलता है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी क्या है, वीक है. समझ आ रही है? समझ आ रही है? So, therefore, current sensitivity define कर लेते हैं यहाँ पे. Current sensitivity, sensitivity of galvanometer अगर निकालनी है, so इसको मैं I sin वैसे ही लिख रहा हूँ पहले की तरह, but this will be d theta by di, di by d theta नहीं होगा, मतलब theta by i नहीं होगा. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, this is 1 by di by d theta, ऐसा लिखा जा सकता है? Yes, sir. अब i की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको थीटा के टर्म्स में पता है, k tan थीटा है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ sec square थीटा हो जाएगा, राइट? और इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं 1 by k sec square थीटा को लिख लिया 1 plus tan square थीटा, और अब tan थीटा की वैल्यू को वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 by k into 1 plus tan थीटा was i by k था ना? Yes, sir. I was k tan थीटा, करेक्ट है? यस सर.
सो अभी अगर इसका स्क्वायर करना है, सॉरी इसका स्क्वायर करना है, तो इस रिलेशन को अगर देखोगे तो ये रिलेशन आ रही है केस के क्या हो जाएगा, के डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, आ रही है क्या, दिख रही है आपको? सो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू जो आई है, करंट सेंसिटिविटी वैल्यू वो इंस्टेंटेनियस करंट पे डिपेंडेंट है या नहीं है? देखो करंट पे डिपेंडेंट है या नहीं, आई पे डिपेंडेंट है या नहीं है? यस सर। बट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट पे डिपेंडेंट नहीं था, याद है वो NBA बाय C होता था, याद है? यस। बट यहाँ पे वो करंट पे भी डिपेंडेंट है, और देखोगे अगर ध्यान से तो जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, मतलब लोअर करंट से हायर करंट पे आप मूव करो, तो हायर करंट पे जो सेंसिटिविटी होगी वो कम आएगी ना? यस सर। राइट, मतलब जब छोटा करंट होगा, जब आप लो वैल्यूज ऑफ करंट पे हो, तो वहां पे अगर छोटे चेंजेस ऑफ करंट करते हैं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा, बट अगर आप बड़े करंट पे हो और वहां पे छोटे चेंजेस कर रहे हैं तो आपको बड़ा डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, समझ आ रही है? सो देयरफॉर करंट सेंसिटिविटी डिक्रीजेस एट हायर वैल्यूज ऑफ करंट। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको ये? Yes, sir. इसी को हम अगर डायग्राम में दिखाएं स्केल की तरह बना के, तो कैसा दिखना है देखते हैं एक बार। जैसे मान लो हमारा ये हमारा स्केल है, जैसे दिस इज द स्केल, ये हमारी स्केल है, और यहाँ पे मान लो हमारा नीडल लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंटर है, यहाँ पे मान लो जीरो की मार्क है, जीरो की मार्क यहाँ पे है, यहाँ पे वन की मार्क है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ऐसे चल रहा है। तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, डिविजन डिविजन का स्पेसिंग देखो घटता जा रहा है, दिख रहा है? Yes. दो सक्सेसिव डिविजन्स के बीच का सेपरेशन देखोगे तो वन यूनिट्स का ही है, जैसे जीरो जीरो मान लेते हैं जीरो मिली एम्पियर है, ये वन मिली एम्पियर है, ये टू मिली एम्पियर है, तो दो सक्सेसिव डिविजन के बीच का जो सेपरेशन है वो कितने का है? वन मिली एम्पियर का ही तो है। यस सर। बट क्या एंगल का चेंज सेम मिल रहा है आपको? नो no. नहीं मिल रहा है, समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हायर वैल्यूज ऑफ करंट जब आप मेजर करोगे तो उस केस में जो सेंसिटिविटी भी आएगी वो क्या आएगी आपकी? लो आएगी। आपको समझ आया? Yes, sir. ठीक है, सो ये आपका ये ध्यान रखना है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में आपको नॉन लीनियर स्केल मिलता है। नॉन लीनियर स्केल कहने का मतलब डिविजन्स के बीच की स्पेसिंग यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, और स्पेसिफिकली ये भी ध्यान रखना है आपको कि वो हायर वैल्यूज पे लेस स्पेसिंग होगी क्योंकि सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाती है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, एंड के का भी ध्यान रखना है, करंट सेंसिटिविटी आपका k का वैल्यू, ऊपर में k है और नीचे में k स्क्वायर है, तो डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? k स्क्वायर है ना। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप सेंसिटिविटी को बढ़ाते, मतलब अगर सेंसिटिविटी को आपको इंक्रीज करना है तो रिडक्शन फैक्टर को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब k अगर लो होगा तभी आपका सेंसिटिविटी हाई मिलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सो करंट सेंसिटिविटी डिक्रीजेस एट हायर वैल्यूज ऑफ करंट as well as higher values of reduction factor. ठीक है, okay. एक और चीज इसमें है, अगर आपको पूछा जाए कि जैसे ये इस रीडिंग में मतलब करंट सेंस प्रोपोर्शनल टू थीटा है, टेन थीटा है, तो इस केस में ऑब्वियसली रीडिंग में एरर तो आएगा, तो ये रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट कहाँ पे होगा ये पूछा जाए। आपको याद है ये क्वेश्चन मैंने आपको एरर एनालिसिस वाले चैप्टर में कराया था, याद है आपको? करंट प्रोपोर्शनल टू टैन थीटा है, तो एरर सबसे कम कहाँ पे आएगा? 45 डिग्री पे, याद है आपको? नहीं याद है? अच्छा ठीक है, करके देख लेते हैं। फॉर लीस्ट fractional error in measurement, ये highest accuracy होगा। ठीक है, highest accuracy पूछ रहे हैं, मतलब least error होना चाहिए।
हम लिखेंगे डी आई बाई आई, ये क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम होनी चाहिए राइट yes, right? है ना, यही तो मिनिमम होना चाहिए। अब डी आई बाई आई एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर डी आई लिखे, तो डी आई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, के सेक्स स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा लिख सकते हैं क्या, आई वाज के टैन थीटा ना, यस सर, ठीक है। अब इसको आई से डिवाइड कर दो, तो आई से डिवाइड किया तो के टैन थीटा से डिवाइड हो गया, के कैंसिल आउट हो गया, sec square theta को 1 by cos square theta लिख सकते हैं, tan theta को sin theta by cos theta लिख सकते हैं, cos theta कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास sin theta by denominator में sin theta cos theta का product बचेगा, 2 से ऊपर नीचे multiply कर लें, तो ये हो जाएगा 2d theta divided by sin 2 theta, ये expression आ गई आपके पास di by i की। अब clearly आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर आपको di by i को minimum रखना है, तो sin 2 theta को maximum रखना पड़ेगा ना, right? So therefore for di by i to be minimum, sin 2 theta इसको आपको maximum रखना है, and therefore theta आपका 45 degree होगा, समझ आ गया है? Yes sir. So आपको ध्यान रखना है कि theta 45 degree पे आपको क्या करेगा, most accurate होगा, ठीक है, most accurate reading आपको 45 degree पे मिलेगी, most accurate reading, ठीक है। तो अगर मैं 45 डिग्री से पीछे चलूं और 45 डिग्री से आगे चलूं, दोनों केस में रीडिंग में एरर क्या होगा, बढ़ेगा ना, yes, sir. समझ आ रही है, 45 डिग्री से आप आगे बढ़ो या 45 डिग्री से पीछे जाओ, दोनों केस में आपका एरर जो होगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है, yes, sir. So this was all about tangent galvanometer. Next है हमारा डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, इस सेटअप के हेल्प से आप बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट ही बार मैग्नेट का कैलकुलेट करते हैं बहुत इजी तरीके से, बट टेंजेंट लॉ को यूज करके यहाँ पे करते हैं ऑब्वियसली। सो सेटअप इज यूज्ड टू कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट of two bar magnets using tangent law. Tangent law जब हम कह रहे हैं तो ये ध्यान रखना दो mutually perpendicular field चाहिए ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे एक field, again एक field तो हमारे पास earth का है, earth का magnetic field एक exist करता है, और दूसरा field हम क्या करेंगे वो bar magnet की field को लेंगे एक एक करके। तो हमारे पास क्या करना है, what we are supposed to do is, जैसे इस सेटअप को पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये सेटअप कैसा दिखता है, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। So, इस सेटअप में बेसिकली क्या होगा कि एक मतलब एक घड़ी के जैसा एक सेटअप होता है, उसमें उसमें बेसिकली दो लकड़ी के बड़े बड़े प्लैंक्स होते हैं, और उसके बीच में एक डायल होती है जो जिसके बीच में एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस होती है, और वो नीडल का डिफ्लेक्शन बेसिकली उसमें मेजर किया जा सकता है। तो उसमें हम इस सेटअप को दो तरीके से यूज कर सकते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को, एक को हम tan A पोजीशन कहते हैं, tan A पोजीशन,
केस वन इज टैन ए पोजिशन कहते हैं, या फिर इसको एंड ऑन पोजिशन भी कह सकते हैं, एंड ऑन और एंड ऑन पोजिशन। इसमें आपको क्या करना है, जो आर्म्स ऑफ मैग्नेटोमीटर है, आर्म्स मतलब कि जो उसके वुडन प्लैंक्स है बेसिकली, मतलब आप घड़ी सोचो तो घड़ी का स्ट्रैप बोले जिसको, तो स्ट्रैप जो है वो स्ट्रैप को आपको ईस्ट वेस्ट के अलोंग रखना पड़ता है। तो ऐसा होगा कि हियर आर्म्स ऑफ मैग्नेटोमीटर विल बी अलोंग ईस्ट वेस्ट लाइन, ईस्ट वेस्ट लाइन के अलोंग ही होगा। तो इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूं, जैसे ये है तुम्हारा मैग्नेटोमीटर का सेंटर वाला डायल दिखाया है, ये देखो इसको कह रहे हैं दिस इज आर्म ऑफ मैग्नेटोमीटर, ये आर्म है ठीक है, और बीच में हमारा डायल है, तो यहाँ पे एंगल्स बेसिकली मार्क्ड होते हैं, यहाँ पे एंगल्स मार्क्ड होते हैं। तो इनिशियली आपका नीडल जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ रहेगा, तो नीडल ऐसा कुछ ओरिएंटेशन अपना लेके रखेगा, समझ लेंगे, तो इस ओरिएंटेशन पे रह रहा है। बट दिस इज ओनली इफ मतलब इसकी अगर बात करें, एक मिनट से स्क्रीन हैंग करके, तो इसमें देखो नीडल जो है वो पहले किसकी वजह से ओरिएंटेशन लेके रखेगा, वो बीएच की वजह से है ना, दिख रही है आपको, यस सर, ठीक है, ये बीएच की वजह से वो अपने आप को ओरिएंट करके रखा हुआ है ठीक है। अब हमने क्या किया, अपना बार मैग्नेट जो है, अच्छा इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी मार्क करके दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। देखो मैंने आपको बोला था ना कि आर्म्स अलोंग ईस्ट वेस्ट लाइन होना चाहिए, देखो दिख रहा है, मैच कर रहा है, yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब आपको टेंजेंट लॉ यूज करना है। अब बार मैग्नेट को प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे ये बार मैग्नेट को प्लेस किया है ठीक है, अब यहाँ साउथ एंड यहाँ नॉर्थ मार्क कर लेते हैं ठीक है। तो इस बार मैग्नेट की खुद की एक फील्ड भी तो होगी ना यहाँ पे, yes. होगी, ये हो गई बी ऑफ बार मैग्नेट। तो अब जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा, रिजल्टेंट फील्ड आएगा बी एच और बी बार मैग्नेट का, अब तो डिफ्लेक्शन उसकी वजह से आएगी ना, yes, sir. तो नीडल अपने आप को क्या करेगा, अब इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, ये देखो नीडल ने अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लिया है, और अगर इस डायरेक्शन में अलाइंड है तो ये कितना एंगल घूमा है इधर से इधर, ये तो आपको घड़ी के डायल में जैसे एंगल्स दिख जाता है तो वैसे यहाँ पे भी दिख जाएगा, समझ आ रही है, yes, sir. समझ आ रही है। तो ये बार मैग्नेट की सेपरेशन यहां से सेंटर से, ये आपको पता होगा क्योंकि वहां पे आर्म्स में ना स्केल बने होते हैं, तो स्केल बने होते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं इसको आर लिख रहे हैं तो ये डिस्टेंस आर आपको मिल जाएगा। तो टेंजेंट लॉ यूज करोगे तो क्या लिखोगे, बी ऑफ बार मैग्नेट हैज टू बी इक्वल टू बी एच टेन थीटा, समझ आ रही है आपको, यस सर, ठीक है। अब दोनों का अगर कंपैरिजन करना है अगर आपको, तो ये आपने क्या किया, ये जो फॉर्मूला लिखा है बी ऑफ बार मैग्नेट, बी ऑफ बार मैग्नेट में जैसे एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, बी ऑफ बार मैग्नेट के लिए 2km n डिवाइडेड बाय r क्यूब, लिखोगे या नहीं, लिखोगे, यस सर, यस सर। तो अगर मान लो सेपरेशन आपने फिक्स कर रखा है, सेपरेशन फिक्स्ड है, अब आपने फर्स्ट मैग्नेट को जहां रखा था आप इसको हटाओ, दूसरे मैग्नेट को भी वहीं रख दो, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर डिफरेंट है तो थीटा डिफरेंट आएगा ना, रिलेशन देखो आप, yes, अगर m चेंज किया तो tan थीटा चेंज करेगा ना, yes, ठीक है, yes, तो इससे m1 by m2 will be tan थीटा 1 by tan थीटा 2, यहां से आपको रेशियो मिल जाएगा। आप अलग एक और काम भी कर सकते थे, एक और काम क्या कर सकते थे कि अगर मान लो कि मैं फर्स्ट मैग्नेट की वजह से जितनी डिफ्लेक्शन आई है, अगर मान लो सेकंड मैग्नेट की वजह से मुझे सेम डिफ्लेक्शन चाहिए, सेम डिफ्लेक्शन, तो अगर m डिफरेंट है तो r डिफरेंट लेना पड़ेगा ना, ताकि थीटा सेम आए,
यस सर. तो उसको डिफरेंट सेपरेशन पे रखेंगे तो m by r cube कांस्टेंट होना पड़ेगा, मतलब m1 by m2 will be equal to r1 by r2 का क्यूब. इस तरीके से भी आप मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं. ये हमारा एक तरीका था, केस वन था, जो कि टैन ए पोजीशन था. टैन बी पोजीशन में भी सेम तरीके से करते हैं, बस ओरिएंटेशन चेंज करते हैं उसका. दिस इज केस टू. नाउ केस टू इज टैन बी पोजीशन, या फिर इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं. ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, दिस इज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. अब इसमें क्या करना है आपको, आर्म्स को, आर्म्स टू बी प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ वाले लाइन पे ही आपको रखना है. तो अब फिर से वैसे सेटअप एक ड्रॉ करते हैं एक बार. ये हमारा डायल है जहां पे एंगल्स मार्क्ड होंगे, नीडल प्लेस्ड होगा, और ये हमारी आर्म है मैग्नेटोमीटर की. ठीक है, ये आर्म अगर है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो फिक्स हो गया, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, ठीक है ना, ठीक मार्क किया मैंने? यस सर. तो अगर मैं एंगल्स अगर दिखाऊं यहाँ पे कैसा होगा, तो नीडल आपका कुछ ऐसा होगा. अभी ये इस तरफ से क्यों है, क्योंकि बीएच आपका नॉर्थ की तरफ होगा. ठीक है, तो ये हमारी बीएच की डायरेक्शन है, ध्यान रखिए इसको, ये बीएच का डायरेक्शन है. अब हमने क्या करना है, हमें टेंजेंट लॉ यूज करना है. तो टेंजेंट लॉ यूज करने के लिए तो आपको बीएच से परपेंडिकुलर फील्ड चाहिए, और बार मैग्नेट को अब क्या आप ऐसा प्लेस कर सकते हो, क्या ऐसा रखोगे क्या? अगर ऐसा रखा तो फील्ड तो इसका पैरेलल हो जाएगा बीएच के साथ, दिख रही है आपको? यस सर. तो आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, तो आपको कैसे रखना पड़ेगा? सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्लेस द बार मैग्नेट परपेंडिकुलर टू द आर्म लेंथ, आर्म लेंथ से परपेंडिकुलर रखेंगे. अब इसका साउथ एंड नॉर्थ मान लेते हैं, ऐसा मार्क है. तो देखो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, और उसके लिए सेंटर ऑफ जो सेटअप है वो देखो इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो ये हो गई बी ऑफ बार मैग्नेट. इन दोनों का जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो आपका नेट फील्ड हो गया. अब अगर ये नेट फील्ड है तो इस केस में नीडल अपने आपको इस डायरेक्शन में रखेगा. सो नीडल ने अपने आपको इस डायरेक्शन में ओरिएंट कर लिया, ये देखो. एंड अगेन ये एंगल आप आराम से मेजर कर पाओगे, ये एंगल मतलब घड़ी में ही दिख जाएगा आपको, मतलब जो डायल होगा उसी में दिख जाएगा ये थीटा. तो फिर से आप यूज कर सकते हैं बी ऑफ बार मैग्नेट विल बी इक्वल टू बी एच टैन थीटा. एंड इसकी वैल्यू को आप लिखोगे तो लिखेंगे के एम डिवाइडेड बाई, एंड ये डिस्टेंस ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस आपके लिए आर है, तो ये जाएगा के एम बाई आर क्यूब. अब कंपैरिजन का तरीका अगर देखोगे तो सेम ही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि बस इतना ही डिफरेंस है कि पहले बार हम 2 के एम बाई आर क्यूब लिख रहे थे, इस बार के एम बाई आर क्यूब लिख रहे हैं. बाकी कंपैरिजन का तरीका आपका दोनों में सेम है. सो कंपैरिजन इन ईदर मेथड, कंपैरिजन ऑफ एम इन ईदर केस कैन बी डन using two ways. Pehla, we place the two bar magnets at same position, one after the other, one after the other, ek ke baad ek, one after the other. Therefore, सेम पोजीशन पे रखा मतलब आर फिक्स्ड है, तो एम की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा आ जाएगी. सो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि एम वन बाय एम टू दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा वन बाय टेन थीटा टू. एंड सेकेंड मेथड इज वी प्लेस द टू बार मैग्नेट्स एट डिफरेंट पोजीशंस. Different positions such that same deflection is obtained. Same deflection is obtained. Therefore, m by r cube, ये आपकी constant होनी चाहिए. So therefore, m1 by m2 that will be equal to r1 by r2 का cube हो जाएगा. तो comparison हो जाएगा. क्लियर है सभी को? यस सर. ठीक है,
इसमें आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब जैसे पूछ लिया कि बताओ टैन बी पोजीशन में बार मैग्नेट को आपको किस लाइन पे रखना पड़ता है, तो बार मैग्नेट को किस लाइन पे रखा हमने, ईस्ट वेस्ट पे, दिख रहा है आपको, दिख रहा है. और वो कब आपको समझ आएगा, जब आपको ये ध्यान रहेगा कि आर्म को किस तरफ रखना पड़ता है. आर्म को जिस तरफ रखना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग ही आप सोच पाओगे, अदरवाइज नहीं सोच पाओगे. ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन की तरह ध्यान रखना पड़ेगा.